यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ये मुझे बहुत ठंडे बच्चे हैं, सुबह सुबह एनर्जी होनी चाहिए. गुड मॉर्निंग, नहीं लेक्चर चालू हो रहा है यार. गुड मॉर्निंग खुशी, प्राची एंड अदिति, प्राची अदिति, ओके. यस गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों. शिवानी, कौशिका, विशाल, कौन कौन आ गया, फटाफट 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 आ जाइए भाई, ज्वाइन करो धनाधन. क्या हाल चाल, सब बढ़िया चल रहा है क्या भाई? हमारी दया से ऐसा कैसे, ऐसा यस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. ऑनलाइन वाले बच्चे भी आ जाओ फटाफट, एक ही मिनट है. ये क्या हो गया, ये है ना इसमें मेरे इसके अंदर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, ठीक है. व्यू कनेक्टेड, लॉक अनलॉक, नाइट शिफ्ट ऑफ, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस. हाँ जी, चलिए आ गया क्या भाई दोस्तों. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. समीर, कौन कौन आ गया, समीर, राहुल, श्वेता, श्रुति, आदिति, संजना, धनाधन. लाइक करके अटेंडेंस देना है भाई, लाइक ठोकर अटेंडेंस. आशीष, ऋतिक, नीरव, सारे बच्चे लाइक करो और अटेंडेंस दो, लाइक करो और अटेंडेंस दो भाई. धनाधन, कौन आ गया, श्रीदास, और कौन आ गया, जल्दी से बताओ फटाफट, कौन कौन आ गया है. लिवरेज अभी खत्म करो भाई, लाइक तो करो, तुम लोग भी तो लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, अटेंडेंस दो. ऋतिका, सनी अरोरा, विशाल, आज सबके नाम लेता हूं भाई. और बताओ सब कहां कहां से हो, कौन सी सिटी से हो, जरा लिख लिख के बताओगे, लिख लिख के बताओगे कहां कहां से लोग आए हैं पढ़ने के लिए, जरा देखे तो सही. सर अटेंडेंस दे दिया, वेरी गुड. विनीता, उर्वशी, कोमल, सुगंधा, तन्वी, शंकर, अदिति, पलक, आकाश, आशीष, खुशी, केशव, आयुष, अरे कौन है, आयशा, विशाल, वर्षा, फिर हिमांशी, मृतिका, विनीता, आराध्या, खुशबू, लकी सिंह, जय, अरे बाप रे, हाँ, नासिक, इंदौर, बिहार, भुवनेश्वर, राजस्थान, एमपी, गजब, औरंगाबाद, जालना, गजब है भाई, अरे बाप रे, अभी तो फटाफट जा रहे हैं, कमेंट रीड करना मुश्किल हो रहा है. बुल्दाना, आई एम फ्रॉम वडोदरा, गुजरात. ओहो, वडोदरा में मेरे, नहीं नहीं नहीं, मेरे जिजाजी की वहाँ पे मिठाई की दुकान है, भाईलाल शिवलाल, बड़ी पॉपुलर है. नहीं लेकिन वो मेरे जिजाजी की बड़ौदा में 100 साल से दुकान है, तो बड़ौदा में मतलब बहुत बड़ी पॉपुलर दुकान है. एम आई करेक्ट, वो वडोदरा वाला कौन था भाई, जरा बताओ, सुना ही होगा, बहुत ही पॉपुलर है भाईलाल शिवलाल. अपने गुजराती में सारा नाम गजब लगते थे, गाड़ा भाई, डाया भाई, भाईलाल, शिवलाल है एक, हाँ हमारे गुजराती में गजब नाम होते हैं, गांडू भी रखते हैं, गांडा भाई, हाँ हाँ ऐसे ही नाम रखते हैं, गांडा मतलब पागल, अब ऐसे ऐसे नाम रखने के बाद मुझे लग रहा है जो पैदा हुआ होगा तो उसने ऐसी कोई एक्टिविटी की होगी, तो घर वालों को लगा कि गधा ही आया हुआ है, तो उसका गांडा भाई नाम रखे उसका. अच्छा, विश्वा, सुरभि, हिलोर, रोहित, माधवी, चलो बड़ा फटाफट बेटा, सारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है यूनिक अकेडमी कॉमर्स में. रेगुलर होंगे सर लेक्चर्स, रेगुलर होंगे क्या एफएम के, हाँ ये 30 नवंबर तक, मैंने पूरा ऋतिक प्लानिंग दे दिया था, 30 नवंबर तक चलेगा ये, 30 नवंबर तक चलेगा. प्रियांशु, चलिए जी फटाफट, संजना, रिया, रिया धनक, उज्जैन सर, वेरी गुड, फैज अहमद, केशव, रेगुलर कब से स्टार्ट होंगे, आज से रेगुलर से स्टार्ट कर रहा हूँ, आज से रेगुलर लेक्चर्स आ जाएंगे आपके. रोहित शर्मा सर, मेरा नाम भी लो, ओके. मृतिका, चलिए वेरी गुड, सोलापुर, बिहार, हर जगह से लोग है, हर जगह से लोग है. अंशुल, बिहार, वेरी वेरी गुड. रेगुलर लेक्चर्स आज से स्टार्ट करते हैं, एक कैपिटल बजटिंग का पार्ट 2 जो है ना, रिस्क एनालिसिस, वो आज से चलवाता हूँ, चालू करवाते हैं. चलिए जी स्टार्ट करते हैं अभी. यार एक सेकंड, मैं लिंक शेयर कर दूँ, ये बच्चे ना बिगर लिंक के आते नहीं है, ये गजब है. पता नहीं यार बच्चे को है ना, बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है. अभी एक मिनट रुक जाओ, मैं जरा लिंक भी शेयर कर दूं जरा एक बार. लव फ्रॉम ताज सिटी, वंडरफुल.
सर आज अहमदाबाद नहीं है, आज नलायक है ये, हाँ बेवकूफ़ इंसान। हाँ सुरभि नागपुर वेस्ट बंगाल वंडरफुल। आज मैराथन है, करेक्ट है, आज मैराथन है बेटा। क्या गया? अरे किशोर ये लिख डालनी भाई, डाल रहा है ना? ओके ओके ओके। अच्छा डेटसमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है केशव, है ना? आई थिंक डेटस मैनेजमेंट को अगर आप लोग, जो मेरे रेगुलर बच्चे उनकी बात कर रहा हूँ, डेटस मैनेजमेंट को अगर आप लोग पिछले के 2-3 लेक्चर्स छोड़ भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जब मैं रिविजन करवाऊंगा थोड़ा डिटेल करवा दूंगा उसका, ठीक है? तो आपका डेटस मैनेजमेंट रिविजन में कवर करवा दूंगा, वो कवर करवा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है। तो मतलब आप देखोगे तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो भी कोई टेंशन नहीं है, नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील। चलिए जी, हाँ गुड। ओहो जिया देशना वेलकम वेलकम। अभी ना मैं आप लोग को हर दिन पार्टी दूंगा बेटा, नहीं नहीं क्यों, है ही कम बच्चे तो क्या दिक्कत है बेटा। तो ऑफलाइन वाले बच्चों को हर दिन पार्टी मिलेगी, मैं रोज कुछ ना कुछ, हम हाँ 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 आज से करते ना, आप जो बोलो आज, तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपकी तरह इतना स्मूथिंग कैसे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आप क्या लिखे, आपकी तरह इतना स्मूथिंग कैसे लाए? प्रैक्टिस बेटा, ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस, ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। चलिए जी अब स्टार्ट करेंगे। खुशी तेरी लाइफ में कोई दुख तो नहीं ना बेटा, हंसते रहने का? हाँ ये देखो थोड़े से, गुड मॉर्निंग जिया को देखो, एनर्जी मिलती है, हाँ एकदम टकाटक। चलिए जी, कल हमने स्टार्ट कर दिया था लिवरेज, आज लिवरेज का एक कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे और हम लोग है ना क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे आज क्वेश्चन? इससे फायदे दो होंगे हमारे कि कल एमसीक्यूज आ जाएंगे पास्ट ईयर के, तो कल मैं सारे एमसीक्यूज करवा दूंगा आपको पास्ट ईयर के। सीएम बजटरी कंट्रोल रिकॉर्डेड, नहीं नहीं मैं देखो मैं करवाने वाला हूँ अनुज। चलिए जी लिवरेज पहले बताओ, लिवरेज का मतलब क्या होता है, बेनिफिट। अब है ना स्टेप बाय स्टेप कल मैं टॉपिक फॉर श्योर वाइंड अप करूंगा, मतलब अगर रेगुलर बैच में अगर देखोगे तो 10-12 लेक्चर्स लग गए थे, लेकिन मैंने 3 लेक्चर्स में वाइंड अप करूंगा। तो लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई आपको ऐसा लगा होगा कि भगा के पढ़ा दिया है सारी बातें हमने। हाँ सिर्फ उतना ही होता है कि रिपीटेशंस हमारे कम होते हैं, इतने ज्यादा रिपीटेशन हम करते हैं नहीं है, उसका मतलब उतना ही, क्योंकि रिवीजन है ना एट द एंड। तो फिर रिवीजन में और रेगुलर बैच में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा। अब ऑनलाइन वाले बच्चे भी रिस्पॉन्स करते हुए चलेंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे भी रिस्पॉन्स करते हुए चलेंगे। जी हाँ करेक्ट, बार करेक्ट है, यू आर राइट। तो 10-12 जो अभी समझो ना, अभी इसलिए तो ये रिवीजन का बेनिफिट मिलता है ना आपको, लेकिन जिसने रेगुलर लेक्चर्स किए होते हैं उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब बराबर से रिकलेक्ट होके दिमाग में फिट हो गया। अब ये दिमाग से निकलने वाली बात नहीं है, एटलीस्ट तुम थोड़ी मेहनत अब कर लोगे तो 50-60 तो कहीं नहीं गया, और बहुत अच्छी मेहनत की तो यू कैन स्कोर 100 out of 100। जी हाँ करेक्ट है, 100 हाँ कर सकते ना, क्या दिक्कत है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ते हैं। मैं आज टेक्स्टमैन की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, टेक्स्टमैन के एमसीक्यूज मैं सर मैं अहमदाबाद चला गया तब आप पार्टी दे रहे हो, देखो प्रिंस आ गया। हाँ चलिए जी, चलो स्टार्ट करते ताकि टाइम पास हो जाए। लिवरेज, लिवरेज का मतलब होता है बेनिफिट, बेनिफिट मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। अगर हमने, मैंने कल ही बताया था, अभी जैसे कि मुझे बताओ क्या बारिश का बेनिफिट है कि नहीं है? लेकिन कभी भी बारिश आए तो उसका बेनिफिट मिलेगा क्या? मतलब बारिश मतलब मानसून होना बहुत जरूरी है, लेकिन दिवाली में मानसून पहली बार देखा, दिवाली में मानसून पुणे पहली बार, हाँ दिवाली में मानसून पहली बार देखा, तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि हर चीज का एक बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगर उसके टाइम के हिसाब से हो तो बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज रिस्क क्रिएट हो जाएगा। इस टाइम पे अगर बारिश होगी तो हो सकता है कि बहुत सारे डिजीज फैलना स्टार्ट हो जाए, मलेरिया ज्यादा होना स्टार्ट हो जाए। तो बड़ा बस अभी आज है ना टेक्निकली आपको मैं लिवरेज का करेक्ट मीनिंग समझाऊंगा कि FM के पॉइंट ऑफ व्यू लिवरेज का मतलब क्या होता है। देखो मैं ऑलवेज कहता हूँ, जिसका इंग्लिश अच्छा है ना, दे हैव एन एडिशनल एडवांटेज इन CS। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि व्हाइल यू राइट समथिंग, करेक्ट है, आपको लिखना होता है तो मतलब यू नो समथिंग, तो आप उसको थोड़ा इलाबोरेट करके लिख सकते हो।
तो मैं कह सकता हूँ जिसका इंग्लिश अच्छा है उसको सीएस में मतलब थियरी सब्जेक्ट्स में लिवरेज मिल सकता है। आई होप यू गेट माय पॉइंट। लिवरेज, आप समझो लिवरेज, आप ये वर्ड को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, भी समझ में आ रहे हैं क्या आपको? लेकिन ऑलवेज एक बात समझना, लिवरेज का मतलब क्या होता है, बेनिफिट। ऑनलाइन वाले बच्चे भी रिस्पॉन्स करेंगे, हाँ ऑनलाइन वाले बच्चे भी रिस्पॉन्स करेंगे। लिवरेज का मतलब होता है बेनिफिट। आज मुझे धुंधला धुंधला क्यों दिख रहा है? मैं यार क्लीन तो करता ही हूँ, धुंधला धुंधला दिख रहा है। भाई कापड़, ये गुजराती की है ना, एक क्या कहते हैं, यूएसपी है। क्या बोल रहे हैं, प्यार व्यार में पड़ते? हाँ एक 25 साल का इंसान प्यार में पड़े तो कोई बुरा नहीं बेटा। हाँ प्यार व्यार में पड़ते नहीं, यूएसपी ये है कि वो कुछ भी बोलेगा तो उसके बीच में गुजराती आ ही जाती है, ये उसकी यूएसपी बेटा। अच्छा है मैं ना गुजरात में पैदा तो हुआ हूँ लेकिन रहा नहीं हूँ, तो यही लफड़ा होता था ऐसा। चलिए जी, यूएस में बिजनेस करते थे, पढ़ाई का और मेरा रिश्ता बहुत दूर दूर तक नहीं था, पता नहीं यहाँ कहाँ से आ गया भगवान जाने। हाँ ऐसा है, हाँ जेन्यूनली मजाक नहीं कर रहा। चलिए जी, अभी आई थिंक आप स्टार्ट करते हैं। नहीं हमारे, नहीं हमारे नसीब में आप थे ऐसा बोलो। ओके, तो लिवरेज का मतलब समझ में आ गया। लिवरेज का मतलब क्या होता है, बेनिफिट। लिवरेज का मतलब है बेनिफिट। बेनिफिट मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। अच्छा कल मैंने फिर आपको कुछ बेसिक बेसिक बातों पर डिस्कशन किया। सबसे पहले मैंने बताया कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, क्योंकि ये कल मैंने जो बताया था ना वो पूरा बेस बना दिया आपका लिवरेज का। क्या कर दिया मैंने आपका लिवरेज का बेस बना दिया। तो एक सेकंड मुझे बताओ, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है विच वेरी प्रपोर्शनेटली विद द चेंज इन आउटपुट। एक हाँ आउटपुट और प्रोडक्शन, एक का 100, दो का 200, तीन का 300, चार का 400, बस ये प्रपोर्शनेटली कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रपोर्शनेटली। इससे लीनियरली कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? लीनियरली। उसी को ही वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं हो चाहिए। एक का 100 तो दो का 150 नहीं चलेगा, तीन का 400। हाँ वेरिएबल तो है लेकिन ये प्रपोर्शनेटली वेरी नहीं हो रहा है, इसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। कौन सी कहते हैं उसे? लेकिन सेमी वेरिएबल कॉस्ट हमें सीखना नहीं, हमें सीखना नहीं है। ओके, तो मुझे आप एक चीज बताइए, वेरिएबल कॉस्ट समझ में आ गया आपको? वेरिएबल कॉस्ट में दो एग्जांपल बेस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। जो आप है ना 11-12 में जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे वहां पे मटेरियल लिखते थे ना, और जो वेजेस लिखते थे ना वो सेम बातें ये है। फिर आता है फिक्स कॉस्ट आपका। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आते हैं? वेरिएबल कॉस्ट इन टोटालिटी चेंज होती है, लेकिन क्या ये पर यूनिट क्या कांस्टेंट रहता है? क्या ये पर यूनिट क्या रहता है? कांस्टेंट। ये पर यूनिट कांस्टेंट रहता है, ये पर यूनिट कांस्टेंट रहता है। उसके बाद हमने देखा था फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड फॉर एवर, ये अजम्पशन के साथ हम पढ़ते हैं, लेकिन ये बोलना इनकरेक्ट है, ये बोलना इनकरेक्ट है। लेकिन हम एफएमसीए में इसी अजम्पशन के साथ पढ़ेंगे कि फिक्स कॉस्ट विल नेवर चेंज। फिर हमने देखा था ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ये कितनी सिंपल सी बात है ना, आप लोग क्यों बातों को कभी कभार समझ नहीं पाते हो? एकदम सिंपल सी बात होती है। अब सिंपल सी बात क्यों होती है समझाता हूँ। देखो मैं आपको, मुझे बताओ क्या बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा आता है कि नहीं आता है? बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा आता है कि नहीं आता है? तो बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा आता है, तो अब कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या विदाउट ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या बिजनेस चल सकता है? क्या एक बिजनेस चलाना है तो सैलरी का पेमेंट करना पड़ेगा, रेंट का पेमेंट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना पड़ेगा, ये सब पेमेंट जब करेंगे तब जाके बिजनेस चलेगा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ये मतलब उसमें कुछ फिक्स कॉस्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो मैंने आपको दो बेस्ट एग्जाम्पल बताए थे। कौन से दो बेस्ट बेस्ट एग्जाम्पल है? एक तो आपका रेंट होगा, दूसरा क्या होगा आपका? डेप्रिसिएशन। फिर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। मुझे बताओ क्या प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करना क्या एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? क्या डिबेंचर इश्यू करना एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? क्या टर्म लोन इश्यू, टर्म लोन बैंक से लोन लेके आना क्या एक फाइनेंशियल एक्टिविटी है? तो क्या आपको नहीं लगता है उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट करना एक, नहीं वो फ्री में तो मिलने वाला नहीं है, उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। तो उनका जो इंटरेस्ट है एक बात ऑलवेज ध्यान रखना कि शेयर्स पे कभी इंटरेस्ट पे होता नहीं है, शेयर्स पे ऑलवेज क्या पे होता है? डिविडेंड पे होता है। तो उन पे जो हम पे करेंगे क्या उसे हम फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट के नाम से बुला सकते हैं कि नहीं बुला सकते? क्या कह सकते हैं उसे? फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डेट, डिबेंचर, प्रेफरेंस डिविडेंड, ये सब क्या हो जाएगा आपका? फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। फिर कल मैंने आपको रेशियो का मीनिंग बताया था। रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो सिर्फ मतलब रेशियो सिर्फ आपके एफएमसीएमए के लिए इंपॉर्टेंट ये तो है ही है, हर टॉपिक में कहीं ना कहीं पे, सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं पे उसके एप्लीकेशंस आते रहते हैं, लेकिन रियल लाइफ में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो आई थिंक आपने मनी कंट्रोल पे जाके देखा होगा क्या सारे रेशियोज जो पढ़ाए थे, सारे रेशियोज क्या वहां पे दिख रहे थे क्या आपको? आप जाके देखना भी, तो आपको समझ भी आएगा। अच्छा आपके एग्जाम के बाद में एक सेशन लेने वाला हूं,
फंडामेंटल एनालिसिस पे कि जहां पे फंडामेंटली शेयर्स को हम किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन वो एग्जाम के बाद होगा। तो रेशियो का मतलब क्या होता है? मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स विच आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर। अब मुझे बताओ, कल मैंने बताया था कि हाँ, एक और बात बताई थी रेशियो की, जब भी बात करते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यूज आर टोटली यूजलेस, एब्सोल्यूट वैल्यूज का कोई भी रिलेवेंस होता नहीं है, क्योंकि जब तक आप दो वेरिएबल्स को कंबाइन नहीं करते हो एक डिसीजन मेकिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट नहीं होती है, और हमें डिसीजन लेने के लिए रेशियो क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, रेशियो क्रिएट करने से फायदा नहीं होता है, रेशियो क्रिएट करने के बाद उसे कंपेयर करना भी उतना ही जरूरी है। मुझे बताओ, कल हमने जीपी रेशियो देखा था, तो 2017 का जीपी रेशियो कितना आया था? 10% ऑफ सेल्स आया था, लेकिन इसका कितना आया था? 9.6% ऑफ सेल्स आया था। तो मतलब समझ में आया क्या? जब तक हम, इसका मतलब ये हुआ 2017 में 100 में से 10 रुपया कमाया तो 90 रुपया खर्चे में चला गया, लेकिन यहां पे 100 में से 9.16 ही कमाया, बाकी का पैसा कहां चला गया? खर्चे में चला गया। ऑल्दो एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ सेल्स वाज गोइंग अप, जीपी वाज गोइंग अप, स्टिल जीपी रेशियो वाज गोइंग डाउन, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, मैनेजमेंट कैन लुक इनटू द मैटर एंड टेक करेक्टिव एक्शंस। आई थिंक ये बात समझ में आई थी आपको। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, इसके बाद मैंने आपको बताया था ये इनकम स्टेटमेंट। एक बार धनाधन रिकलेक्ट करेंगे क्या इनकम स्टेटमेंट को? मुझे बताओ फटाफट, इनकम स्टेटमेंट बताओ, सबसे पहले क्या देखेंगे? सेल्स में से क्या माइनस होता है? वेरिएबल कॉस्ट। क्या मिल जाता है? कंट्रीब्यूशन। अच्छा, कंट्रीब्यूशन भी क्या काइंड ऑफ अ प्रॉफिट है? क्या कंट्रीब्यूशन क्या है? काइंड ऑफ अ प्रॉफिट। मुझे बताओ उसमें से क्या माइनस करेंगे? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कौन सी? जब भी आपके आज था बेटा, कल ही मैंने बताया था सीएमए का रिवीजन दिवाली के बाद होगा। जब भी आपके क्वेश्चन में कहीं भी फिक्स कॉस्ट लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट कौन सा होगा? आपका ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होगा। तो उससे क्या मिल जाएगा हमें? ईबीआईटी मिल जाएगा। उसी को क्या हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नाम से बुलाते हैं क्या? अच्छा, ईबीआईटी किसको किसको बिलोंग करता है? और मैंने ऐसे देखो ऐसे बोलता हूँ, ईबीआईटी के क्लेमेंट कौन कौन है? ऑनलाइन वाले बच्चे भी रिस्पॉन्स करेंगे। देखो यार, कॉन्ट्रीब्यूशन को ग्रॉस प्रॉफिट कभी नहीं बुलाते हैं। मैंने कल भी कहा था कि कंट्रीब्यूशन ग्रॉस प्रॉफिट कभी नहीं बुलाते हैं, लेकिन ये प्रॉफिट जैसा है। इज दैट क्लियर टू यू? किसने लिखा है कि कंट्रीब्यूशन ग्रॉस प्रॉफिट है? कते ही नहीं शिवानी, कभी भी नहीं होता ये, ठीक है। ईबीआईटी किसको किस ऑनलाइन वाले बच्चे भी रिस्पॉन्स करेंगे? ईबीआईटी बिलोंग करता है डेट को बिलोंग करता है, सबसे पहले डेट, फिर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को एक बार नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, प्रेफरेंस एंड इक्विटी। तो क्या ये, एक सेकंड मुझे बताना, क्या ये ईबीआईटी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आपकी ऊपर की ये जितनी भी एक्टिविटी थी ना, ये पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और ऑपरेट बिजनेस को ऑपरेट करने से हमने कितना कमाया, ऐसे प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नाम से बुलाते हैं। कौन से प्रॉफिट के नाम से बुलाते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नाम से बुलाते हैं। तो मुझे बताओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया आपका, तो अभी ये भी समझ में आना चाहिए ना कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसको किसको बिलोंग करता है। तो मैं कह सकता हूँ ये ईबीआईटी, ये तीनों की इनकम है। किसकी? डेट वालों की। मैं डिबेंचर को डेट कहूंगा, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये डेट वालों की भी इनकम है, ये प्रेफरेंस वालों की भी इनकम है, ये इक्विटी वालों की भी इनकम है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर यहां पे। ओके, उसमें से क्या माइनस कर दिया? इंटरेस्ट। जब भी इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट माइनस करेंगे, जब भी इनकम से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, तो हम कौन सा इंटरेस्ट माइनस करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कौन सा माइनस करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो क्या मिल जाएगा? ईबीटी। ईबीटी में से क्या माइनस करेंगे? टैक्स। तो क्या मिलेगा? पैट। पैट में से क्या माइनस करेंगे? नहीं, पैट किसको बिलोंग करता है? शेयर होल्डर्स को। क्या बोलोगे? शेयर होल्डर्स को। और जब भी हम शेयर होल्डर्स वर्ड यूज करते हैं, तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे क्या उसमें इक्विटी भी आ गया, क्या उसमें प्रेफरेंस भी आ गया? तो उसमें से हम प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा? अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी डिविडेंड। हाँ, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो ये 25,000 आपको नहीं लग रहा है ये सिर्फ इक्विटी वालों को बिलोंग करता है, उसमें से क्या माइनस कर देंगे? इक्विटी डिविडेंड। तो आपको नहीं लगता है जो बचेगा वो हमारा क्या रहेगा? रिटेन्ड अर्निंग रहेगा, और उसी को हम सरप्लस के नाम से बुलाते हैं। किसके नाम से बुलाते हैं? सरप्लस। आई होप यू कनेक्ट माई पॉइंट वेरी क्लियर। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे धनाधन बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। कल कुछ मैंने आपको फॉर्मूले, अरे रेशियोज बताए थे। क्या बताए थे? रेशियोज। मुझे बताओ ईपीएस का, ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। कल ये टॉपिक प्रीटी मच वाइंड अप हो जाएगा बेटा, कल ये टॉपिक प्रीटी मच वाइंड अप हो जाएगा, करेक्ट है? मतलब मुझे बताओ, आप लोगों को स्पीड तो नहीं लग रही है? ऑनलाइन वाले बच्चों को बताओ स्पीड तो नहीं लग रही है क्या? एकदम परफेक्ट जा रहा है क्या ये? ओके, मैंने कल बताया था ईपीएस का फॉर्मूला। किसका बताया था? ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। मुझे तो अर्निंग पर शेयर, आदिति मतलब क्या होता है? अर्निंग पर शेयर मतलब अर्निंग पर प्रेफरेंस शेयर होता है कि अर्निंग पर इक्विटी शेयर होता है? अर्निंग पर ऑलवेज इक्विटी शेयर होता है। तो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, या तो उसको क्या पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड भी लिख सकते हैं क्या? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। फिर आरओआई का फॉर्मूला बताया था, आरओसी, उसको एक और नाम क्या है? आरओसी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड।
याद रखने का तरीका, जिसके भी रिटर्न की बात करेंगे वो कहां पे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, और उसकी इनकम कहां पे आएगी, न्यूमरेटर में आएगी। तो आप मुझे बताओ कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है खुद का पैसा प्लस बाहर का पैसा, खुद का पैसा प्लस बाहर का पैसा। तो मुझे बताओ क्या इक्विटी, नहीं इक्विटी का फंड क्या होता है? इक्विटी शेयर, इससे इक्विटी शेयर कैपिटल होता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, क्या ये खुद का पैसा है, ओनर का पैसा है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी क्या खुद का पैसा है? लेकिन डेट जो है क्या वो बाहर का है? टर्म लोन जो है क्या बाहर का है? तो क्या ये पूरा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या इसमें इक्विटी की भी, इक्विटी का भी फंड आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड में, इसमें प्रेफरेंस का भी फंड आ गया, इसमें डेट का भी फंड आ गया, इसमें टर्म लोन का भी फंड आ गया, और उनकी इनकम क्या होती है? ईबीआईटी। तो क्या ईबीआईटी को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो आंसर परसेंटेज में आएगा, अदरवाइज आंसर आपका फ्रैक्शन में आएगा। किस में आएगा? आपका फ्रैक्शन में। आरओई का फॉर्मूला, अगेन अगेन अगेन, जिसके भी रिटर्न की बात करेंगे वो कहां पे आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा। तो नेट वर्थ क्या होता है मेरे दोस्तों? नेट वर्थ क्या होता है मेरे दोस्तों? क्या नेट वर्थ आपको नहीं लगता है? ये हो जाएगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। बताओ इक्विटी वालों की इनकम क्या होती है? पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। ऑनलाइन वाले बच्चे भी रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या होती है इक्विटी वालों की इनकम? पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, या तो यू कैन कॉल इट एज अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। क्या ये बातें समझ में आ गई? क्या मैंने कल यहां तक डिस्कशन किया था, हाउ टू रिमेंबर फॉर्मूले, फॉर्मूले को किस तरह से याद रखोगे? जिसके भी रिटर्न की बात करेंगे वो कहां पे आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा, और उसकी इनकम कहां पे आएगी? न्यूमरेटर में आएगी। तो कहीं पे भी फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी क्या? कि अपने आप याद रहना चालू हो जाएंगे, अपने आप याद रहना चालू हो जाएंगे। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। तो यहां तक का डिस्कशन हुआ था, मैंने वापस आपको पूरा रिकलेक्ट करवा दिया। आज मुझे दो चार बातें और बतानी है आपको। लिखोगे आप मेरे साथ साथ फटाफट? चलिए जी, सेल्स 1 लाख रुपीस, वेरिएबल कॉस्ट 40,000, तो कंट्री कितना आ जाएगा बताओ फटाफट? क्या 60,000 कंट्री आ जाएगा क्या? इसमें से क्या माइनस करेंगे? फिक्स कॉस्ट मान के चलो 20,000 है, तो हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें क्या मिलता है? ईबीआईटी। क्या मैं ईबीआईटी को प्रॉफिट कह सकता हूँ? ये भी तो एक प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, करेक्ट है। कौन सा प्रॉफिट है ये? ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्या मैं कॉल इट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट? हाँ कह सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन को प्रॉफिट के नाम से बुलाते कभी नहीं, ठीक ना? ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए था। ओके, तो आप मुझे बताओ, नेचुरल फीलिंग है, वंडरफुल। तो अब आप मुझे बताइए ईबीआईटी कितना आ गया? ईबीआईटी का 40,000 रुपया आ गया क्या? अच्छा, आपको मैं कहूँ तो आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता है। ये हम पढ़ क्या रहे हैं? एफएम पढ़ रहे हैं कि कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं? एफएम पढ़ रहे हैं कि सीएमए पढ़ रहे हैं? एफएम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? एफएम पढ़ रहे हैं। क्या हमारे सीएमए में कॉस्टिंग भी आता है कि नहीं आता है? आपको पता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका इनकम स्टेटमेंट यहीं पर रुक जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका इनकम स्टेटमेंट इससे आगे जाता नहीं है। और कॉस्ट अकाउंटिंग में हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट वर्ड यूज करते हैं। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट। अब सुनोगे मेरी बात को ध्यान से, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या आ गया आपका? कॉन्ट्रीब्यूशन। उसमें से क्या माइनस कर देंगे? फिक्स कॉस्ट, तो क्या आ जाएगा आपका? प्रॉफिट। ईबीआईटी आएगा, करेक्ट है। एफएम में हम आगे बढ़ते हैं लेकिन कॉस्टिंग में यहीं पर रुक जाते हैं और इसी को ही प्रॉफिट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? इसी को ही प्रॉफिट। सर ऐसा क्यों? जब मैं कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा तो आपको सिखाऊंगा उसका लॉजिक क्या है, उसका लॉजिक क्या है। लेकिन कॉस्टिंग में इससे आगे जा, क्योंकि है ना आगे के जो खर्चे हैं ना वो कॉस्टिंग के खर्चे नहीं है। मुझे तो इसमें से आगे हम क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट माइनस करते हैं। ये तो फाइनेंशियल खर्चा हो गया। कौन सा खर्चा हो गया? फाइनेंशियल। उसमें से क्या माइनस करते हैं? टैक्स माइनस करते हैं। ये भी कॉस्टिंग का खर्चा नहीं है, कॉस्ट शीट में भी नहीं आता है। मतलब आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं क्या समझा? कॉस्टिंग में क्यों नहीं आता? अगर उसका रीजन समझना है तो आगे इंटरेस्ट जो माइनस करते हैं ये कॉस्टिंग का खर्चा नहीं है। आगे जो टैक्स माइनस खर्चा तो है लेकिन ये कॉस्टिंग का खर्चा नहीं है, इसीलिए उसको माइनस करते नहीं है। तो अब आप मुझे बताओ, मुझे यहां से कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो। तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 इंटू 100। मुझे बताओ हमारे पास सेल्स कितना था दोस्तों? क्या 1 लाख का सेल्स था? देखो मैं इस तरह से इक्वेशन बना रहा हूं। हमारे पास सेल्स कितने का था? 1 लाख। तो हमने अमाउंट फॉर्म में कॉन्ट्रीब्यूशन कितना कमाया था? मैंने पहले ही कहा कॉन्ट्रीब्यूशन भी कमाते हैं। क्या करते हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन भी कमाते हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन भी काइंड ऑफ अ प्रॉफिट बन जाएगा? काइंड ऑफ अ प्रॉफिट बन जाएगा।
काइंड ऑफ अ प्रॉफिट बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, काइंड ऑफ अ प्रॉफिट बन जाएगा। तो आप मुझे एक चीज बताओगे, क्या कंट्रीब्यूशन क्या 60 था? नहीं, 1 लाख पे हमने अमाउंट फॉर्म में कंट्रीब्यूशन कितना कमाया? क्या 60,000 का कमाया? तो मुझे बताइए 100 पे कितना कमाएंगे x, 100 पे कितना कमाएंगे x। तो जरा इसी को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाएगा आपका 60,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा क्या? और चेक करो क्या ये कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, चेक कर लो। तो मैं कॉन्ट्रीब्यूशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, कितना लिख रहा हूँ 60,000। मैं सेल्स लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो मुझे बताओ ये हमारा क्या बन जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो। और कॉमन सेंस वाली बात है, जब भी हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो क्या आंसर परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है? क्या आंसर किस में कन्वर्ट हो जाता है? आंसर किस में कन्वर्ट हो जाता है? परसेंटेज में कन्वर्ट होता है। तो मुझे आप एक चीज बताओगे, ऑनलाइन वाले बच्चे भी रिस्पॉन्स करेंगे धनाधन, ऑनलाइन वाले बच्चे भी रिस्पॉन्स करेंगे धनाधन, क्या ये आपका 60% बोलोगे कि 60% ऑफ सेल्स बोलोगे? क्या बोलोगे? 60% ऑफ सेल्स। तो ये कौन सा रेशियो बन गया दोस्तों धनाधन बताओ, ये कौन सा रेशियो बन गया? कंट्रीब्यूशन रेशियो। आपको बताऊं कंट्रीब्यूशन रेशियो का एक अच्छा सा नाम है पीवी रेशियो। क्या नाम है उसका? पीवी रेशियो। ऑनलाइन वाले बच्चे भी धनाधन रिस्पॉन्स करेंगे, ये रेशियो को हम कौन सा रेशियो कहेंगे? कंट्रीब्यूशन रेशियो। रेशियो वर्ड यूज किया। अच्छा तो जैसे एक सेकंड, जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या था? जीपी डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। वापस बोलो, जीपी डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। तो मुझे तो कंट्रीब्यूशन रेशियो का फॉर्मूला क्या आना चाहिए? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। आई होप यू गेट माय पॉइंट वेरी क्लियर। तो अच्छा, और कंट्रीब्यूशन रेशियो का एक और अच्छा सा नाम क्या है? आवाज नहीं आई। पीवी रेशियो। एक और अच्छा सा नाम क्या है? पीवी रेशियो। इसमें कोई भी दिक्कत है? हमने अमाउंट फॉर्म में कंट्रीब्यूशन कितना कमाया? 60,000। तो हमने परसेंटेज फॉर्म में कितना कमाया? 60%। एकदम क्लियर हो गया क्या आपको ये? अब आप मुझे बताओगे धनाधन रिस्पॉन्स करोगे, 100 में से 60 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन कमाया, कितने का कमाया? 60 रुपए का। इस परसेंटेज तो वही होता है ना, 100 भी होता है परसेंटेज। तो 100 में से 60 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन कमाया, तो मुझे बताओ 40 रुपया कहां चला गया? 40 रुपया कहां चला गया? आपको नहीं लगता 40 रुपया वेरिएबल कॉस्ट में चला गया? भाई जरा ये दोनों के रिलेशनशिप को समझो, धनाधन मुझे बताओगे क्या आपको ये अगर समझ में आता है? क्या सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन? 1 लाख में से 60,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन कमाया, अमाउंट फॉर्म की बात कर रहा हूं, एब्सोल्यूट वैल्यूज की बात कर रहा हूं। तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे कि ये 40,000 का, ये 40,000 रुपया कहां चला गया? क्या वेरिएबल कॉस्ट में गया कि नहीं गया? आई होप यू गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर। तो बताओ 100 में से कितना कमाया? 60% कंट्रीब्यूशन कमाया, तो बाकी का 40% कहां पे चला जाएगा? क्या वेरिएबल कॉस्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो अब आप मुझे बताओ कि मैं कह सकता हूं कि पीवी रेशियो, अब मैं कंट्रीब्यूशन रेशियो वर्ड यूज नहीं करूंगा, कौन सा वर्ड यूज करूंगा? पीवी रेशियो। पीवी रेशियो एंड वेरिएबल कॉस्ट रेशियोज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर आपका पीवी रेशियो 60% है तो 60% का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 40%। रिया मुझे बता, अगर पीवी रेशियो 70% होता तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता? 30%। अगर पीवी रेशियो 80% होता तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता? 20%। तो क्या ये बात समझ में आ गई कि आपको यहां पे ये? तो आपका पीवी रेशियो, ऑनलाइन वाले बच्चे भी रिस्पॉन्स करेंगे धनाधन, धनाधन ऑनलाइन वाले बच्चे भी रिस्पॉन्स करेंगे। लाइक ठोकोगे भाई, लाइक ठोकोगे। मुझे बताओ अगेन, पीवी रेशियो एंड वेरिएबल कॉस्ट रेशियोज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। जैसे अभी देखो ना, ये याद रखने का तरीका समझ में आ जाना चाहिए। जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या था? जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स, ऐसे ही बोलो। कंट्रीब्यूशन रेशियो का फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो में क्या आना चाहिए? वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स। तो बताओ, चेक करो क्वेश्चन में देख के बताओ, वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया हुआ है धनाधन? क्या वेरिएबल कॉस्ट क्या 40,000 है क्या? डिवाइडेड बाय क्या करूंगा? 1 लाख इंटू 100। तो क्या ये 40%? नहीं, 40% नहीं बोलोगे दोस्तों, 40% ऑफ सेल्स। क्या बोलोगे? 40% ऑफ सेल्स, 40% ऑफ सेल्स। कोई भी दिक्कत या कोई भी कंफ्यूजन? बात समझ में आ गई कि आपको ये? अभी आगे इसके एप्लीकेशंस आएंगे, आगे इसके एप्लीकेशंस आएंगे। चलते हैं इनकम स्टेटमेंट पे, चलते हैं इनकम स्टेटमेंट पे। ध्यान से मेरी बातों को कनेक्ट करोगे, ध्यान से मेरी बातों को कनेक्ट करोगे। कैलकुलेटर हाथ में ले लो, बस और कुछ नहीं करना है। टेक कैलसी इन योर हैंड, आप कैलसी हाथ में ले लीजिए फटाफट। सारे बच्चे दोस्तों लाइक ठोकोगे और आपकी अटेंडेंस दे दोगे, लाइक ठोके अटेंडेंस दोगे, ठीक है? जल्दी से मुझे बताइए, 2010 का ये इनकम स्टेटमेंट है और ये 2011 का इनकम स्टेटमेंट है। जरा चेक करते हैं 2010 में हम कितने यूनिट्स बेच रहे थे। रिस्पांस करोगे? ऑनलाइन वाले बच्चे रिस्पांस करेंगे। आपको सिर्फ कैलकुलेटर लेके बैठना है, करेक्ट है? आपको सिर्फ कैलकुलेटर लेके बैठना है और आपको सिर्फ रिस्पांस करते हुए चलना है ताकि आपको बातें समझ में आए। हाँ, तो अभी यहां से लिवरेज कनेक्ट करवा रहा हूं। क्या कनेक्ट कर रहा हूं? आपका लिवरेज। तो अब मुझे बताओ, 10,000 यूनिट्स बेचे,
तो 10,000 × 20 तो अमाउंट फॉर माय सेल्स कितना हो गया 2 लाख. बोलोगे तो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो दिमाग की बात फिट हो जाएगी. दिमाग फिट हो जाएगी. सर दिवाली के तक 98,000 तो हाँ. थैंक यू पलक, थैंक यू वेरी मच. एरर क्यों दिखा रहा है यूट्यूब पे, जरा चेक करो. चल रहा है क्या आपका लाइव, लाइव चल रहा है क्या, चल रहा है ना लाइव, देख लो एक बार. कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ऑनलाइन वाले बच्चों को, जरा एक बार चेक कर लो. अच्छा लेकिन मुझे यहाँ पे एरर दिखा रहा है, यूट्यूब इज नॉट रिसीविंग इनफ वीडियो टू मेंटेन स्मूथ स्ट्रीमिंग एज सच. चल रहा है ना, चलो कुछ हो जाए चालू भी रखना ताकि कोई दिक्कत आए तो समझ में आ जाए. ओके तो मुझे तो अमाउंट फॉर में सेल्स कितने का हो गया, कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनोगे मेरी बात को, 2 लाख. नेक्स्ट ईयर 10% इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है सेल्स, 10% इंक्रीज हो रहा है. अब कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, 10% इंक्रीज होगा तो यूनिट्स कितने बेचेंगे, बेचेंगे 11,000 बेचेंगे, यूनिट्स कितने बेचेंगे, 10,000 बेच रहे थे तो 10,000 में 1,000 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 11,000 × 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,20,000. इसमें कोई दिक्कत वाली बात है तो बताओ. अमाउंट फॉर्म में चेंज कितना हो गया 20,000 रुपए का, तो बताओ परसेंटेज फॉर्म में चेंज कितना हुआ 10%. अच्छा चेंज कैसे फाइंड कर, परसेंटेज फॉर्म में चेंज कैसे फाइंड करते हैं मुझे बताइए. अमाउंट फॉर्म में चेंज आपका 20,000 का था तब ओरिजिनल अमाउंट कितना था 2 लाख रुपीज. देखो ना 2 लाख रुपए पे कितने का चेंज हुआ, 20,000 का चेंज हुआ तो मुझे बताइए 2 लाख रुपए पे 20,000 का चेंज, ऐसा लिखता हूँ 2 लाख रुपीज पे 20,000 का चेंज हुआ तो मुझे बताइए 100 पे कितने का होगा, 100 पे कितने का होगा तो क्या 20,000 × 100 / 2 लाख करूंगा तो क्या क्या 20% का चेंज आएगा कि नहीं आएगा. तो जब भी चेंज फाइंड करना है ना तो आपको क्या करना है, परसेंटेज फॉर्म में चेंज फाइंड करना है ना तो क्या करना है, ये चेंज वाला अमाउंट ले लेना, कॉन्सेंट्रेशन के साथ बातों को सुनोगे, चेंज वाला अमाउंट लेना डिवाइडेड बाय किससे कर दोगे ओरिजिनल अमाउंट, कौन सा अमाउंट ओरिजिनल. तो क्या 2 लाख रुपए आपका ओरिजिनल अमाउंट था कि नहीं था और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे 100 तो क्या आपका परसेंटेज फॉर्म का चेंज जो आएगा क्या 20% आएगा कि नहीं आएगा. आई होप यू कनेक्ट माई पॉइंट क्लियर. इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ऑनलाइन वाले बच्चे सारे रिस्पॉन्स करेंगे जनार्दन. तो मुझे बताओ क्या 10% आया कि नहीं आया आपका. वेरिएबल कॉस्ट मुझे बताओ, वेरिएबल कॉस्ट विच वेरी प्रोपोर्शनेटली विद द चेंज इन सेल्स आउटपुट कुछ भी प्रोडक्शन कुछ भी. अच्छा मुझे बताओ आपका सेल्स अगर 20% से इंक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी 20%, अगर आपका सेल्स 10% से इंक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी 10%, अगर आपका सेल्स 5% से डिक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 5% से डिक्रीज होगा. प्रोपोर्शनेटली जाता है, ये कैसे जाता है प्रोपोर्शनेटली, ये कभी भी ऐसा नहीं कि सेल्स 20% से तो ये 5%, ऐसा कभी नहीं होगा वेरिएबल कॉस्ट में. वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज क्या जाएगा प्रोपोर्शनेटली जाएगा. इज दैट क्लियर टू यू. तो आप मुझे बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितना है 40% है तो बताओ ये कितना हो जाएगा 2 लाख का 40% करिए, कैलसी पे करो फटाफट कितना आएगा 80,000. सब लोग कैलसी पे करेंगे, सब लोग कैलसी पे करेंगे, कैलकुलेटर ऑनलाइन वाले बच्चे भी कैलकुलेटर पे करेंगे ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए. तो मुझे बताओ 2,20,000 का 40% कितना होगा 88,000. तो अमाउंट फॉर्म का चेंज कितना है 8,000. तो परसेंटेज फॉर्म का चेंज कैसे फाइंड करोगे, मैंने अभी बताया आपको अमाउंट फॉर्म का चेंज डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप ओरिजिनल अमाउंट. ओरिजिनल अमाउंट कितना था 80,000 इंटू 100 कर दोगे तो क्या आपको परसेंटेज फॉर्म का चेंज पता चल जाएगा क्या कितना आ रहा है, कहां लिखा 20, अच्छा यहां गलत लिखा है क्या मैंने, ओके ये लो मैंने 10% कर दिया, कितना कर दिया मैंने 10%. अभी कोई दिक्कत है क्या, ओके तो ये बात समझ में आ गई आपको. कॉन्ट्रीब्यूशन अब देखो एक बार जरा यहां पे कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया 1,20,000, ये कितना हो गया 1,32,000. बताओ अमाउंट फॉर्म का चेंज कितना है 12,000. आप लोग कैलसी पे कैलकुलेट करोगे ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए तो 12,000 हो गया. तो बताओ परसेंटेज फॉर्म में चेंज कितना आ गया 10% आया कि नहीं आया, परसेंटेज आया कि नहीं आया मुझे बताओ फटाफट. ऑपरेट फिक्स कॉस्ट बाय डिफॉल्ट कौन सी फिक्स कॉस्ट होगी, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होगी तो क्या 60,000 क्या यहाँ, एक सेकंड फिक्स कॉस्ट चेंज होता है सेल्स के साथ कि रिमेन फिक्स, रिमेन फिक्स तो क्या 60 माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे. तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज अमाउंट चेंज क्या जीरो आया कि नहीं आया, याद रखना फिक्स कॉस्ट नेवर चेंज, फिक्स फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स. तो मुझे बताइए उसके बाद जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका EBIT, क्या आ जाएगा हमारा EBIT. तो बताओ EBIT कितना है 60,000, ये कितना है 72,000. अमाउंट फॉर्म में चेंज कितना है 12,000, परसेंटेज फॉर्म में चेंज कितना है 20%. यहीं पर रुक जाओगे, यहीं पर रुक जाओगे, यहीं पर रुक जाओगे, यहीं पर रुक जाओगे. पहले आप है ना मुझे एक बात जरा सोच समझ के बताओगे, जरा EBIT का परसेंटेज चेंज एक बार कैलकुलेट करके देखो आप कैलसी पे क्या 20% आ रहा है कि नहीं आ रहा है. कैसे कैलकुलेट करोगे 12,000 / 60,000 × 100 तो क्या 20% आ रहा है कि नहीं आ रहा है जरा चेक करो. आप एक बात मुझे बताओगे क्या, आवाज बंद कर एक बात मुझे बताओगे क्या सेल्स कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ था और हमारा EBIT कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ
क्या 20% से इंक्रीज हुआ? मतलब सर ग्रुप पे लिंक नहीं आई। अरे प्रिया बेटा है ना, आपको है ना रोज 9 बजे यूट्यूब लाइव आ जाना है बेटा, लिंक की वेट नहीं करनी, लिंक की वेट नहीं करनी, यूट्यूब पे होता है, लिंक भेजने की जरूरत ही नहीं बेटा ऐसा है। चलो एक मिनट ध्यान दो, कॉमन से अप्लाई करना। सेल्स कितने परसेंट से चेंज हुआ? 10%। और हमारा ईबीआईटी कितने परसेंट चेंज हुआ? एक सेकंड, क्या ईबीआईटी भी काइंड ऑफ अ प्रॉफिट है? ईबीआईटी क्या काइंड ऑफ अ प्रॉफिट? मतलब सेल्स 10% से बढ़ा तो हमारा प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट उससे डबल बढ़ गया। अच्छी बात है कि बुरी बात? नहीं नहीं, एक सेकंड, पहले अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है, मतलब सेल्स के 10% इंक्रीज होने की इंपैक्ट हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे डबल आ रही है। कितनी आ रही है? डबल आ रही है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ देखते हैं। एक सेकंड, सेम एग्जांपल है, वो सेम एग्जांपल है, मैंने सिर्फ यहां पे कट पेस्ट किया हुआ है। मुझे बताइए, सेल्स अगेन 2 लाख रुपीज, 2 लाख 20,000, सिर्फ हाई ना में रिस्पॉन्स करोगे तो अमाउंट अमाउंट फॉर्म का चेंज कितना है, तो परसेंट फॉर्म का चेंज कितना है? 10%। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट 80,000, 88,000, अमाउंट फॉर्म का चेंज 8,000, परसेंटेज फॉर्म का चेंज 10%, कॉन्ट्रीब्यूशन 120, 132, 12, सेम एग्जाम्पल है, करेक्ट है? तो 10% कितना हो गया आपका, ये 10%। और मैंने यहाँ पे, अच्छा ये वाला एग्जाम्पल नहीं, ये वाला लेना था, सेम एग्जाम्पल है वापस, सारी बातें सेम है, मैंने सिर्फ फिक्स कॉस्ट को निकाल दिया। किसको निकाल दिया मैंने? फिक्स कॉस्ट। अगेन रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम्पल इज दी सेम, मैंने सिर्फ फिक्स कॉस्ट निकाल दिया। क्या निकाल दिया? फिक्स कॉस्ट। तो चेक करो सेल्स कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ? 10%। तो आपका ईबीआईटी कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ? 10%। आप क्या मेरी बातों को कनेक्ट कर पा रहे हो? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मेरी बातों को कनेक्ट कर पा रहे हो? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऊपर वाले एग्जाम्पल में बताओ, एग्जाम्पल दोनों सिमिलर हैं, सिर्फ डिफरेंस उतना ही है, मैंने यहां पे फिक्स कॉस्ट रखा था, मैंने यहां पे फिक्स कॉस्ट रखा था और मैंने वहां से फिक्स कॉस्ट निकाल दिया। क्या निकाल दिया है? फिक्स कॉस्ट निकाल दिया है। जब भी मैं ये फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा हूं तो ये कौन सी फिक्स कॉस्ट है? ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है। ये कौन सी फिक्स कॉस्ट है आपकी? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है। तो अब आप मुझे बताओगे, क्या ये सिचुएशन में जब ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट नहीं था तो हमारा सेल्स कितने परसेंट से ऊपर गया? 10%। तो उसकी इंपैक्ट प्रॉफिट पे भी कितने परसेंट आई रिया? 10%। सिर्फ कितने परसेंट आई? 10%। लेकिन ऊपर वाले एग्जांपल में क्या हमारा सेल्स 10% से ऊपर गया तो क्या हमारा प्रॉफिट क्या 20% से ऊपर गया? बताइए ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्या आपको नहीं लगता है ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से हुआ? अगर ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होता ही नहीं तो आपके सेल्स की, शिक्षा तेरा ध्यान नहीं आज, आपके सेल्स की चेंज होने की कोई भी इंपैक्ट आप पे, आपकी ईबीआईटी नहीं, आपका सेल्स अगर 10% से इंक्रीज होता तो आपका ईबीआईटी भी कितने परसेंट से? 10% से। आप कौन सी बात को अच्छा मानते हो अभी, है ना? ज्यादा मत सोचना, मैं सिर्फ अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका मुझे बताओ। 10% से इंक्रीज हुआ आपका सेल्स तो आपका ईबीआईटी कितने परसेंट से? 20% से। सीधा डबल हो गया। क्या हो गया? सीधा डबल हो गया। किसके वजह से हुआ? मैं कह रहा हूं ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से हुआ। सर जस्टिफाई करो, ये लो मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन भी मिल गया। अगर हमारे पास ये फिक्स कॉस्ट होता ही नहीं, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होता ही नहीं तो सेल्स भी 10% से इंक्रीज हुआ तो ईबीआईटी भी कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ? 10% से इंक्रीज हुआ। ओ हेलो, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि फिक्स कॉस्ट के होने के वजह से हमें लिवरेज मिल रहा है? लिवरेज का मतलब क्या होता है? बेनिफिट किस पे? हाँ सेल्स का, हाँ सेल्स नहीं, हाँ फिक्स ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के होने की वजह से। मैं रिपीट कर रहा हूं, किसके वजह से? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के होने की वजह से। क्या आपको नहीं लग रहा है कि सेल्स 10% से इंक्रीज हुआ तो हमारा प्रॉफिट डबल इंक्रीज हुआ, हमारा प्रॉफिट 20% से इंक्रीज हुआ? ओ हेलो, तो मुझे बताओ सेल्स और ईबीआईटी में कौन किस पे डिपेंडेंट है? सेल्स और ईबीआईटी में कौन किस पे डिपेंडेंट है? अगर सेल्स होगा ही नहीं तो कॉन्ट्री आएगा ही नहीं, कॉन्ट्री आएगा ही नहीं तो ईबीआईटी आएगा ही नहीं। तो आप मुझे बताओ कि सेल्स और ईबीआईटी में कौन किस पे डिपेंडेंट है? क्या ईबीआईटी सेल्स पे डिपेंडेंट है कि नहीं है? आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। आपको लिवरेज का मुझे मीनिंग समझाना है अभी। लिवरेज का मतलब क्या होता है? बेनिफिट, बेनिफिट मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के दो बेस्ट एग्जाम्पल बताओ, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के दो बेस्ट एग्जाम्पल बताइए मुझे फटाफट। रेंट एंड डेप्रिसिएशन, पहले रेंट की बात करते हैं। क्या रेंट एक फिक्स कॉस्ट है कि नहीं है? लेकिन रेंट जो फिक्स कॉस्ट है, क्या ये रेंट फिक्स कॉस्ट, चलो एक रेंट फिक्स कॉस्ट इतना समझ में आ गया आपको। तो अब आप मुझे बताओ, मैं लिवरेज की डेफिनेशन पे आता हूं। किसकी डेफिनेशन पे आता हूं? लिवरेज की डेफिनेशन पे आता हूं। लिवरेज की डेफिनेशन क्या है? लिवरेज मींस बेनिफिट मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव ऑन प्रॉफिट ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट। मुझे बताओ, क्या एक कॉमन सेंस अप्लाई करना, क्या ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के आने के वजह से
क्या सेल्स के इंक्रीज होने की डबल इंपैक्ट क्या हमारे ईबीआईटी पे आई कि नहीं आई? अगर ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट नहीं होता, अगर ये रेंट नहीं होता, तो क्या हमें ये मैग्नीफाइंग इफेक्ट देखने को मिलती कि नहीं मिलती? तो क्या आप, तो मैं कह सकता हूं ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के वजह से सेल्स चेंज हुआ, और सेल्स के चेंज होने की इंपैक्ट कहां पे आई? ईबीआईटी पे आई। तो क्या ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से हमें एक लिवरेज मिला, और उस लिवरेज के मैं ऑपरेटिंग लिवरेज नाम दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं, मुझे बताओ फास्ट। तो क्या आपको ऑपरेटिंग लिवरेज समझ में आया कि नहीं आया? और एक और बात मुझे बताओगे, ऑनलाइन वाले बच्चे भी रिस्पॉन्ड करेंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे भी रिस्पॉन्ड करेंगे, एक और बात मुझे बताओगे, सेल्स और ईबीआईटी में डिपेंडेंट कौन है? मैं कह सकता हूं कि ईबीआईटी सेल्स पे डिपेंडेंट है, ईबीआईटी किस पे डिपेंडेंट है? सेल्स पे डिपेंडेंट। आई होप यू कनेक्ट माय पॉइंट, वेरी क्लियर। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? रिया बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मुझे बताओ, तो मैंने हाँ अभी मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस अभी समझ में आया क्या आपको? लिवरेज मीन्स बेनिफिट, बेनिफिट अभी नेगेटिव बेनिफिट कैसे होता है समझाता हूं, लेकिन पॉजिटिव बेनिफिट तो समझ में आ गया। ऑन प्रॉफिट, हाँ बेनिफिट किस पे? प्रॉफिट पे। किसके वजह से? ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट। और अभी जो मैं फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा हूं वो मैं ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। क्या ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ रही कि नहीं आ रहे? फटाफट रिस्पॉन्स करके बताएंगे। अब देखो यहां मजे की बात देखना, मजे की बात देखना, मजे की बात देखना, क्या लिखा हुआ है। मैंने मैंने हाँ बताओ, यहां पे हमारा रेंट कितना था? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, तो मैं रेंट बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? रेंट। क्या यहां पे हमारी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट क्या 60,000 थी? अब मैंने सेम एग्जांपल रखा और ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट को कितना कर दिया? 1,00,000 कर दिया। कितना कर दिया? 1,00,000 कर दिया। अब चेक करो, सेम एग्जांपल है, सेम एग्जांपल है, और मैंने ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट को सिर्फ चेंज किया, वो कितना हो गया? 1,00,000। तो बताओ आपका ईबीआईटी कितना हो गया? ईबीआईटी कितने परसेंट से चेंज हुआ? 60%। हमारा सेल्स कितने परसेंट से चेंज हुआ? 10%। और ये कितने परसेंट से चेंज हुआ? 60%। सोच के बताओ, जैसे जैसे रेंट का खर्चा, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का खर्चा बढ़ाते जाते हो, क्या वैसे वैसे क्या आपका सेल्स के चेंज होने की और ज्यादा इंपैक्ट क्या ईबीआईटी पे आती है कि नहीं आती? हेलो, आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, सेल्स और ईबीआईटी के बीच में कौन सी फिक्स कॉस्ट आती है? आवाज नहीं आई। सेल्स और ईबीआईटी के बीच कौन से? तो अगर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट आती है तो उसके वजह से जो लिवरेज क्रिएट होगा, कौन सा लिवरेज क्रिएट होगा? क्या ऑपरेटिंग लिवरेज क्रिएट होगा? तो ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला। देखो डिग्री ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, लिखो मेरे साथ साथ। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला बन जाएगा परसेंटेज चेंज, ये चेंज की साइन है, डेल्टा है ना, वो चेंज की साइन है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। मुझे बताओ परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना था दोस्तों? ये एग्जांपल ले लो, पहले ये एग्जांपल ले लो, कितना था? 20%। कितना था? 20% था। परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना था दोस्तों? 10% था। परसेंटेज परसेंटेज क्या हो जाएगा? कैंसल। तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? 2। क्या मैं ये 2 को क्या 2 डिवाइड बाय 1 भी लिख सकता हूँ क्या? क्या ये 2 को बेक 2:1 भी लिख सकता हूँ क्या? मुझे बताओ फटाफट, 2 को क्या मैं 2:1 भी लिख सकता हूँ क्या? इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा मुझे बताओ फास्ट। तो क्या मैंने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट किया, ये बात समझ में आई क्या? तो सर ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आप कैसे लेके आए, आपने ऐसे कैसे देख लिया? तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ ना, किसके चेंज होने की इंपैक्ट किस पे आती थी? सेल्स के चेंज होने की इंपैक्ट कहां पे आती थी? ईबीआईटी पे आती थी। तो मुझे बताओ ये दोनों में डिपेंडेंट कौन है? ईबीआईटी किस पे डिपेंडेंट है? सेल्स पे डिपेंडेंट है। तो ऑलवेज डिपेंडेंट कहां पर आएगा? न्यूमरेटर में। और जो जिस पे डिपेंडेंट है वो कहां पे आएगा? डिनोमिनेटर में। तो क्या ये ईबीआईटी डिपेंडेंट है सेल्स पे, इसीलिए आपका ईबीआईटी कहां पे आएगा? न्यूमरेटर में। और वो किस पे डिपेंडेंट है? सेल्स पे। तो सेल्स कहां पे आएगा? न्यूमरेटर में। तो क्या फॉर्मूला याद रखना इजी हो गया क्या? अच्छा अब आप मुझे बताओगे ये 2:1 का इंटरप्रिटेशन क्या होता है? 2:1 का इंटरप्रिटेशन क्या होता है? अच्छा न्यूमरेटर क्या है आपका? आपका न्यूमरेटर क्या है? सेल्स है। डिनोमिनेटर क्या है? ईबीआईटी है। क्या है आपका? ईबीआईटी। तो क्या मैं ये 2 को 2 डिवाइड बाय 1 लिख सकता हूं? इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारा सेल्स 1% से चेंज होगा तो हमारा ईबीआईटी 2% से चेंज होगा। ऑनलाइन वाले बच्चे भी रिस्पॉन्ड करेंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे भी रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर हमारा सेल्स 1% से चेंज होगा तो हमारा ईबीआईटी 2% से चेंज होगा। ये चेंज यूनिडायरेक्शनल नहीं है, बाय डायरेक्शनल है। अगर सेल्स 1% से ऊपर जाएगा तो ईबीआईटी 2% से, लेकिन अगर सेल्स 1% से नीचे आएगा तो ईबीआईटी 2% से नीचे भी आएगा। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। तो अब मुझे बताओ, अब मान लो कि हमने हमारे पास क्वेश्चन में देके रखा हुआ है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। क्या देके रखा हुआ है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 2 देके रखा है। बताओ 2 का मतलब? 2 डिवाइड बाय 1, 2:1। अच्छा एक सेकंड, तो इसका इंटरप्रिटेशन समझ में आ गया आपको? आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेल्स 20% से चेंज हो रहा है,
कितने परसेंट चेंज हो रहा है? 20%. तो मुझे बताओ, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे? ऑनलाइन वाले बच्चे पे रिस्पॉन्ड करेंगे, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे? अगर सेल्स 20% से चेंज हो रहा है तो हमारा ईबीआईटी कितने परसेंट से चेंज होगा? क्या 40% से चेंज होगा कि नहीं होगा? कितना चेंज होगा? 40. आई होप डबल जा रहा है ना. आई होप यू गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर. अच्छा, यहाँ पे मुझे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करके बताओ. यहाँ पे अभी आप करोगे, थोड़ा स्क्रिबलिंग करोगे तो अच्छा रहेगा. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मुला बोलो. ऑनलाइन वाले बच्चे पे रिस्पॉन्स करेंगे, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज. ये चेंज की साइन है, ये डेल्टा जो लिखा है ना, ये चेंज की साइन है. परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. परसेंटेज चेंज इन सेल्स, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है? बताओ परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना है? यहाँ पे 60% है, तो मैंने 60% लिख दिया. यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना है? 10%. ऑलवेज ध्यान रखना, मैथमेटिकली परसेंटेज परसेंटेज क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है. तो क्या आएगा? 6 / 1 विच इज नथिंग बट 6, विच इज नथिंग बट 6:1. अच्छा, अब आप मुझे बताओगे मीनिंग इंटरप्रिटेशन. अगर सेल्स अगर सेल्स 1% से चेंज होगा तो क्या हमारा ईबीआईटी 6? लेकिन ये चेंज यूनिडायरेक्शनल है कि बाई डायरेक्शनल है? ऊपर जाएगा तो सेल्स ऊपर, तो ईबीआईटी भी ऊपर. कितने कितने टाइम ऊपर जा रहा है? 6 times ऊपर जा रहा है. लेकिन नीचे आएगा तो 6 times नीचे भी तो आएगा. तो अब एक सेकेंड, अभी यहां से क्वेश्चन ले रहा हूं. मुझे बताओ, आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 6 है, करेक्ट है? हमारा सेल्स 5% से ऊपर जा रहा है. कितने परसेंट से ऊपर जा रहा है? 5% से ऊपर जा रहा है. तो बताओ उसकी ईबीआईटी पे इंपैक्ट क्या आएगी? कुछ भी यार. हाँ, 6 times जा रहा है ना ऊपर. एक सेकंड, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कितना आया था? एक सेकंड, डिग्री ऑपरेटिंग लीवरेज कितना आया था? 6/1. इसका मतलब सेल्स अगर 1% से चेंज हुआ, चेंज बाई डायरेक्शनल है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है. अगर हमारा सेल्स 1% से चेंज हो रहा है तो क्या हमारा ईबीआईटी क्या 6% से चेंज होगा? मैंने कहा हमारा सेल्स 5% से ऊपर जा रहा है. कितने परसेंट ऊपर जा रहा है? 5% ऊपर जा रहा है. तो मुझे बताओ हमारा ईबीआईटी क्या 6 times क्या ऊपर चला जाएगा क्या? तो 5% को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आपका ईबीआईटी में जो चेंज आएगा, क्या वो 30% का चेंज आएगा कि नहीं आएगा? ऑनलाइन वाले बच्चे धनाधन रिस्पॉन्स करेंगे. मुझे बताओ फटाफट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज टकाटक क्लियर हो गया क्या आपको यहां पे? अच्छा, एक बात मैं पूछता हूं. देखो, याद रखने का तरीका बताता हूं, मतलब एग्जाम तक आपको भूलने का सवाल ही नहीं आता है. सेल्स और ईबीआईटी के बीच में कौन सी फिक्स कॉस्ट? तो क्या ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट अगर नहीं, अच्छा मुझे बताओ, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट अगर जीरो है, क्या है आपका ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट? जीरो है, तो आपका ऑपरेटिंग लीवरेज क्रिएट होगा कि नहीं होगा? तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कितना आएगा? अरे जीरो आएगा ना, जीरो आएगा ना. एंड में समझे. अगर मुझे बताओ, अगर आपका ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता, अगर आपका ऑपरेटिंग लीवरेज नहीं, आपका फिक्स कॉस्ट होता ही नहीं, मैं ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछना चाहता हूं, अगर ये फिक्स कॉस्ट होता ही नहीं तो जरा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करके बताओ. फॉर्मूला क्या है जल्दी से बोलोगे? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना परसेंट? 10% डिवाइडेड बाय 10%. तो क्या इसका आंसर 1 आता कि नहीं आता? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है. मुझे बताओ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज अगर 1 होगा तो हमारी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट क्या होगी? 0 होगी. वाई से वर्षा, अगर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 0 होगी तो क्या हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 1 होगा? तो जब भी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट नहीं होगा तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कितना आता है? 1 आता है. क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर. कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन? परफेक्ट समझ में आ गया क्या? अच्छा, फॉर्मूला भी दिमाग में फिट हो गया क्या? अच्छा. ऑनलाइन वाले बच्चे बताओगे कोई दिक्कत है सर? बहुत, बट इन रियल सिनेरियो इफ रेंट इंक्रीजेस. हाँ मोहम्मद बेटा, अभी है ना रियल सिनेरियो की बात करने जाएंगे ना तो बहुत एक्सटेंड हो जाएगा, करेक्ट है? तो अभी धीरे धीरे करके जब टॉपिक एंड करूंगा ना तो कुछ ना कुछ आपको, मतलब टॉपिक जब एंड करूंगा ना तो एक लॉजिकल बातें बताऊंगा. कल जब मैं टॉपिक को एंड करूंगा ना तो ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ज्यादा अच्छा, कम अच्छा, बुरा अच्छा, कैसा है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे. मधुरा, हाँ जल्दी से. ये थोड़ा लैग ज्यादा कर रहा है ना आज, ऐसा लग रहा है. बहुत पीछे चल रहा है ना, ये काफी पीछे चल रहा है.
हाँ ये लाज लुज लग रहा है, कुछ है इसमें प्रॉब्लम चल रही है। अब भाई हो सकता है यहाँ का भी नेट अच्छा ना हो, हो सकता है यहाँ का भी नेट अच्छा ना हो। क्या कड़क क्लियर है, चलिए जी क्लियर क्लियर वेरी गुड। हो सकता है नेट यहाँ का अच्छा हो। सलोनी बेटा आपको है ना मैक्स टू मैक्स है ना ये सॉल्व करने चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको स्टडी मीटर रेफर करना है कि नहीं करना है, लेकिन आपको मैक्स टू मैक्स एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए, ठीक है ना बेटा? और एमसीक्यू सॉल्व कहाँ से करने हैं, एक तो हमारी यूनिक की क्लास नोट से कर सकते हो जो मैंने अपलोड करवा दिया, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और दूसरा आप कर सकते हो यहाँ से टेक्स्ट मेन से। चलिए जी अब एक सेकंड बताओ, यहां तक की बात हमारी हो गई, यहां तक की बात हमारी हो गई। ईबीआईटी, चलो इधर ध्यान दो बेटा प्लीज प्लीज। ईबीआईटी किसको किसको बिलोंग करता है? क्या ईबीआईटी डेट वालों को बिलोंग करता है? क्या गवर्नमेंट है, फिर प्रेफरेंस है, इक्विटी है? तो ईबीआईटी क्या ये तीनों की इनकम है? ऐसे तो चारों की इनकम है करेक्ट। ईबीआईटी किसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये चारों की इनकम है। बताओ ईबीआईटी 60,000 था, 72,000 था, चेंज कितना अमाउंट फॉर्म में 12,000, परसेंटेज फॉर्म में चेंज जरा कैलकुलेट। हाँ तो आपने कैलकुलेट कर लिया था 20%, कितना आया 20%। अच्छा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, देखो मैं डेट को अगर मैं डेट को सांस सुना, अगर मैं डेट डिबेंचर को डेट कहूं, टर्म लोन कहूं, जो भी कहूं कोई फर्क पड़ता नहीं है। टर्म लोन और डिबेंचर को मैं डेट के नाम से ही बुला सकता हूं। तो इंटरेस्ट माइनस कर रहा हूं 12, ये मैंने अपने आप अज्यूम कर लिया, मैंने अपने आप अज्यूम कर लिया 12,000 12,000। तो अब आप मुझे बताओ क्या इंटरेस्ट चेंज होगा कि इंटरेस्ट रिमेन फिक्स? अगर कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ कि क्या इंटरेस्ट कभी चेंज होगा कि इंटरेस्ट रिमेन फिक्स? इंटरेस्ट कभी चेंज होता नहीं है, क्योंकि आपको जो टर्म लोन वाले को या डिबेंचर वाले को जो इंटरेस्ट देना है वो ईयर बाय ईयर क्या देना है, फिक्स देना है। क्या देना है? ईयर बाय ईयर फिक्स देना है। तो इंटरेस्ट रिमेन फिक्स, क्या मैं इसे फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट कह सकता हूं? क्या इसको मैं फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट कह सकता हूं? तो बताओ ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करोगे तो हमारे पास क्या बचेगा? ईबीटी बचेगा। क्या बचेगा? ईबीटी। तो 60 माइनस 12 बताओ कितना हो जाएगा? 48,000। 72 माइनस 12 कितना हो जाएगा आपका? 60,000। तो ये कितना आ गया? 12,000। तो ये परसेंटेज जरा चेंज देखो कितना आ गया? 25%। अच्छा मुझे जरा फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट के दो एग्जाम्पल बताओ, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट के। एक तो इंटरेस्ट ऑन डेट और दूसरा आपका डेप्रिसिएशन, कैसे नलायक फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट की बात कर रहा हूं। तो नंबर वन इंटरेस्ट ऑन डेट, दूसरा क्या आ जाएगा आपका? प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या ये दोनों फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट के एग्जांपल्स हैं कि नहीं आपके? ओके तो अब आप मुझे बताओगे कि आपका ईबीटी आ गया 48,000, यहां पर ईबीटी आ गया 60,000, तो आपका अमाउंट हमें कितना आया? 12,000। जरा कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करो, ऑनलाइन वाले बच्चे भी कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करेंगे और मुझे बताओगे अरे तुषार बेटा ज्यादा मत सोच, तुषार बेटा फालतू वाली बात मत सोच। तो ये क्या 25% होगा कि नहीं होगा? ये कितना हो जाएगा? 25% होगा कि यहाँ फिक्स मान ले तुषार बेटा उसको, ठीक है ना? तो ये आपका ईबीटी आ गया, टैक्स माइनस कर दिया 40%, तो 19, जरा कैलकुलेट पर कैलकुलेट करो फटाफट, 19,200, 24,000, 4,800 और चेक कर लो 25% आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कर लो कैलकुलेट कैलकुलेट। हाँ पहले परसेंटेज चेंज खास कैलकुलेट करना ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस आए, ठीक है ना? तो क्या आ जाएगा पैट? क्या आ जाएगा पैट? आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना ताकि कॉन्फिडेंस आवे। तो 28,800, 36,000, 7,200, तो बताओ परसेंटेज फॉर्म का चेंज कितना आ रहा है? 25% कितना आ रहा है? 25% कितना आ रहा है? 25%। प्रेफरेंस डिविडेंड मैंने इस बार अज्यूम नहीं किया है, जीरो मान लिया। क्या मान लिया है? जीरो। मैंने जीरो मान लिया, मान के चलो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, तो मैंने क्या होगा? प्रेफरेंस डिविडेंड आपका जीरो रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका? अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 28,800, 36,000, 7,200, 25,000। कैलकुलेट करो कैलकुलेटर पे, कैलकुलेट करो कैलकुलेटर पे फटाफट, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो। तो कितना आ रहा है जरा चेक करो। ये आ गया आपका 7,200, 7,200। तो उस 7,200 डिवाइडेड बाय 28,800 कर दो, कितना आ जाएगा? 25%। कितना आ जाएगा? 25%। अच्छा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मैं लिखना भूल गया था, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 10,000। कितना है? 10,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10,000 है। तो जरा एक बार ईपीएस कैलकुलेट करके बताओ। अब ईपीएस का फॉर्मूला याद आ रहा है ना आपको? यहाँ पे ईपीएस का फॉर्मूला क्या होगा? अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो क्या आपका ईपीएस 2.88 आ रहा है क्या? चेक करो आप। आपका ईपीएस यहाँ पे 3.6 आ रहा है क्या? आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके चेक करोगे, ऑनलाइन वाले बच्चे सारे चेक करेंगे। मुझे बताओ क्या यहाँ पे आपका ईपीएस 0.72 आ रहा है क्या? तो परसेंटेज चेंज देख लो कितना आ रहा है आपका, 25% आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरा चेक करो एक बार।
इसमें किसी को दिक्कत? अच्छा अभी ध्यान देना, अभी ध्यान देना, ये 2.88 कितना हो गया आपका? 2.88। मुझे जरा परसेंटेज फॉर्म का चेंज बताओ कितना आ रहा है? 25%। अब है ना आपको मेरी बातों पे ध्यान से सुनना है और मुझे आंसर देना है, ठीक है? ईपीएस का चेंज आया ना, ये ईपीएस का, ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का चेंज नहीं है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ये रहा यहां पे, ये सब क्या है आपका? ईपीएस है। तो क्या ईपीएस का चेंज आपका 25% आया कि नहीं, जरा चेक कर लीजिए। चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट, चेक कर लो आप। 0.72 डिवाइडेड बाय 2.88, क्या 25% का चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करिए एक बार। ओके, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में नहीं, पहले आप है ना एक सेकंड मुझे बताओ, लिवरेज किसके वजह से क्रिएट होता है? और हमारे लिवरेज के टॉपिक में क्या दो फिक्स कॉस्ट है? एक तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, दूसरी आपकी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट मैंने समझा दिया आपको। अच्छा, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट किसके और किसके बीच में आता है? किसको और किसके? अरे भाई ध्यान दे, ध्यान दे इसको, ध्यान दे, ध्यान दे, रिया रख दे। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट किसके और किसके बीच में आता है? सेल्स और ईबीआईटी के। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से कौन सा लिवरेज क्रिएट होगा? लिवरेज। अच्छा तो मुझे बताओ ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में कौन सी फिक्स कॉस्ट आती है? फाइनेंशियल फिक्स, इंटरेस्ट आता है ना, इंटरेस्ट को क्या फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अच्छा, ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में, ध्यान से, ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में क्या दो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट आती है? एक तो कौन सा? एक तो ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में क्या दो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट आती है? एक तो इंटरेस्ट ऑन डेट, दूसरा प्रेफरेंस डिविडेंड। लेकिन मैंने ये क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड लिया है कि कंसीडर किया है कि नहीं किया है? मैंने कंसीडर नहीं किया, पर्पसफुली कंसीडर नहीं किया। जब नेक्स्ट एग्जांपल लूंगा तो वहां पे कंसीडर करूंगा। तो अब आप मुझे बताओगे ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में क्या फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट आने की वजह से क्या एक लिवरेज क्रिएट होगा कि नहीं होगा? बेटा ध्यान रखना, ऑलवेज फिक्स कॉस्ट की वजह से बेनिफिट मिलता है, लेकिन बेनिफिट ड्यूअल साइड होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अगर नेगेटिव बेनिफिट आ गया ना तो रिस्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिस्क। मैं कल जब टॉपिक वाइंड अप करूंगा तो ये बात समझाऊंगा आपको कि रिस्क कैसे क्रिएट होता है। तो अब आप मुझे एक बात बताओगे ईबीआईटी और ईबीटी में डिपेंडेंट कौन है, कौन किस पे डिपेंडेंट है? मेरा क्वेश्चन पकड़ लो। क्या ईबीटी, क्या ईबीआईटी पे डिपेंडेंट है? क्या ईबीटी किस पे डिपेंडेंट है? ईबीआईटी पे डिपेंडेंट है। तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या बन जाएगा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला बन जाएगा परसेंटेज चेंज इन ईबीटी। क्या जो डिपेंडेंट होता है क्या वो न्यूमरेटर में जाता है? क्या परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, मैंने ये क्वेश्चन में जो बफरिंग हो रहा है, क्या जरा चेक कर ले एक बार, आवाज मत करना, बफरिंग नहीं हो रहा है ना? सब बराबर है ना, क्योंकि बफरिंग बोल रहे बच्चे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताओगे परसेंटेज चेंज इन ईबीटी कितना है, जल्दी से बताओ। ये रहा, यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया था ना, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी कितना है? 25%। क्या परसेंटेज चेंज इन ईबीटी क्या 25% है? क्या बताओ परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना है? 20% है कि नहीं, जरा चेक करो। तो क्या आपका ये परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल होगा तो कितना आ रहा है आपका? 1.25 डिवाइडेड बाय 1। क्या इसको मैं सिर्फ 1.25 लिख सकता हूँ क्या? और इसको मैं क्या 1.25 इज टू 1 लिख सकता हूँ क्या? तो अब आप कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बताओगे कि आपका जो न्यूमरेटर, आपका जो डिनोमिनेटर है, क्या ये ईबीआईटी है? हाँ। और क्या ये आपका ईबीटी है? ये क्या है आपका? ईबीटी है। मुझे इंटरप्रिटेशन बताओगे क्या? अगर हमारा ईबीआईटी 1% से चेंज होता है तो क्या ईबीटी 1.25% से चेंज हो रहा है? क्या ईबीटी कितने परसेंट से चेंज हो रहा है? 1.25%। क्या ये बात समझ में आ गई कि आपको यहाँ पे है? इसमें कोई भी दिक्कत? तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया आपका? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का। नहीं सर, आपने इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड कंसीडर क्यों नहीं किया? करूंगा ना नेक्स्ट एग्जांपल में, नेक्स्ट एग्जांपल करूंगा, ताकि आपका है ना यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ जाए। क्या आ जाए यहाँ पे? कॉन्फिडेंस। अच्छा अब एक सेकंड, अब आप मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, कॉमन सेंस अप्लाई करना। अगर ये नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं होता, क्या नहीं होता? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। अगर ये फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं होती तो मुझे बताओ, कॉमन सेंस अप्लाई करो, खुशी कॉमन सेंस अप्लाई करो, मुझे बता क्या ईबीटी का परसेंटेज चेंज भी क्या 20% आता? कैसे? क्योंकि ये 60 का 60 यहीं पे आता, 72 का 72 यहीं पे आता, ये 12 का 12 यहीं पे आता। तो क्या आपका परसेंटेज चेंज भी सेम रहता कि नहीं रहता? अच्छा एक बात बताओ, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जब नहीं था तो क्या कोई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्रिएट हुआ था कि नहीं हुआ था?
तो जब अगर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट भी नहीं होगा तो क्या कोई फाइनेंशियल लिवरेज, लिवरेज मतलब बेनिफिट क्रिएट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। लिवरेज मतलब क्या? ईबीआईटी अगर 20% से बढ़ रहा है तो क्या ये 25% से ऊपर जा रहा है क्या? लिवरेज तो मिल ही रहा है, लिवरेज तो, लेकिन किसके वजह से? ये इंटरेस्ट की वजह से। किसके वजह से? इंटरेस्ट के, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट की वजह से। किसके वजह से? फाइनेंशियल। अगर फिक्स कॉस्ट नहीं होता तो बिजनेस को लिवरेज मिलता नहीं है, बिजनेस को बेनिफिट मिलता नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब आप मुझे बताओगे कि फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया? क्या फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट की वजह से जो लिवरेज क्रिएट होगा, क्या मैं उसे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? तो परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, तो क्या ये 1.25? इंटरप्रिटेशन एकदम खटाखटा क्लियर है क्या? एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू दो बेस्ट एग्जांपल, दो बेस्ट क्वेश्चंस। नंबर वन, अगर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट नहीं होगा तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज 1। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट नहीं होगा तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 1। जीरो नहीं होता है, क्या होता है? 1। इज दैट क्लियर टू यू? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अच्छा अब देखो, अगेन कॉमन सेंस की बात अप्लाई करो। अच्छा एक बात मैं कह सकता हूं, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी या परसेंटेज चेंज इन पैट या परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, क्या देखो तीनों तीन सिमिलर है? जरा चेक करो, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी कितना है? परसेंटेज चेंज इन ईबीटी जरा चेक करो, जरा चेक करके बताओ क्या तीनों तीन परसेंटेज सेम आ रहा है क्या चेंज में? परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, परसेंटेज चेंज इन पैट, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, क्या तीनों तीन सिमिलर हैं क्या? जरा देखो एक बार, एक सेंटेंस लिखो कहीं पे, इन द एब्सेंस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, इन द एब्सेंस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। ऑनलाइन वाले बच्चे भी रिस्पॉन्ड करेंगे, खोपड़ी में बात जा रही है कि नहीं जा रही है? धना धन, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ध्यान से बैठोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, फर्स्ट टाइम वाले को भी समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती है। तो हमें टेक्निकली, मुझे लग रहा है कि 12 लेक्चर लेने की जरूरत ही नहीं थी, हम 4 लेक्चर में खत्म कर सकते थे रेगुलर बैच में। 13 खत्म होता है लेकिन बाकी वाले बाउंसर, बाकी वाले ऐसे चले जाते, उसका क्या करना बेटा? तुम लोगों ने इतना किया किया है ना, इसलिए तुम्हें लग रहा है 3 लेक्चर का था, एक दिन आया था, अभी आज खत्म करना है इसको। क्या होता है इनिशियली जब तुम नया नया पढ़ते हो ना, तब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को करते 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 तुम लोग को थोड़ा धीरे धीरे रूटीन में आते हो, फिर जैसे रूटीन में आते हो ना, फिर तुम्हें अच्छा लगता है कि हाँ अभी बराबर है। तुमने अब जाता अभी अभी पहली बार पढ़ा होता ना, तो उसमें से मेजोरिटी लोग का बाउंसर जाता है कि नहीं देशना? चलिए जी, वंडरफुल, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या लिखवाया था? इन द एब्सेंस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, जब प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होगा तभी की बात कर रहा हूं, परसेंटेज चेंज इन, अमाउंट के चेंज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। किसके चेंज की बात कर रहा हूं? मैं परसेंटेज चेंज की बात कर रहा हूं। अरे नहीं सुरभि, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है सुरभि बेटा। हाँ, इन द एब्सेंस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन पैट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। लेकिन ये कब होगा? जब प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होगा तभी होगा। और अगेन लिख दो, नॉट द अमाउंट चेंज, परसेंटेज चेंज की बात करिए। अमाउंट चेंज तो अलग अलग है, अमाउंट चेंज तो अलग अलग है, हम किसकी बात कर रहे हैं? परसेंटेज चेंज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? परसेंटेज चेंज की बात कर रहे हैं। इन द एब्सेंस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, इन द एब्सेंस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन पैट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। अच्छा अब अभी कॉमन सेंस आप ही लगाओगे, कॉमन सेंस आप ही लगाओगे, यू अप्लाई योर कॉमन सेंस एंड यू टेल मी, सेल्स और ईबीआईटी के बीच में कौन सी फिक्स कॉस्ट? मुझे तो ऑनलाइन वाले बच्चों का भी आंसर आना चाहिए, रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो इसके वजह से कौन सा लिवरेज? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। अच्छा ईबीआईटी, और मैं अभी लिख रहा हूं यहां पे ईबीटी लिखता हूं और दूसरा लिखता हूं ईपीएस। क्या लिखता हूं? ईपीएस। अगर ऐसे देखा जाए ना, ऐसे टेक्निकली देखा जाए ना, तो मुझे आप कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे ईबीआईटी
और ईपीएस के बीच? नहीं नहीं फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट के तो दो एग्जांपल्स है ना, एक तो आपका इंटरेस्ट ऑन डेट भी है, दूसरा आपका प्रेफरेंस डिविडेंड भी है, लेकिन मैंने टेक्निकली इस टॉपिक में प्रेफरेंस इस कॉन्सेप्ट में इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं लिया है, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड टेक्निकली आना चाहिए, करेक्ट है? तो आपका ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में एक लिवरेज क्रिएट हो सकता है, रिपीट कर रहा हूं वापस, ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में भी लिवरेज क्रिएट हो सकता है, वो दो नहीं, वो कौन सी फिक्स कॉस्ट की वजह से? फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, लेकिन उसमें दो एग्जांपल्स आ जाते हैं ना, उसमें एक तो इंटरेस्ट भी आ जाता है, दूसरा क्या आ जाता है? प्रेफरेंस डिविडेंड भी आ जाता है। तो मैं आपसे पूछूं, ईबीआईटी ईबीटी या ईपीएस के बीच में कौन सी फिक्स कॉस्ट? कौन सी फिक्स कॉस्ट? फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। तो उसकी वजह से कौन सा लिवरेज? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। अब एक और कॉमन सेंस वाली बात पूछता हूं, कॉमन सेंस वाली बात पूछता हूं, पूछू कि ना पूछू, फटाफट बताओ, पूछता हूं। तो मुझे बताओ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज सेल्स और ईपीएस के बीच में, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, सेल्स और ईपीएस के बीच में कौन सी फिक्स कॉस्ट? तुम लोग को क्वेश्चन का आंसर करो ना, सेल्स और ईपीएस के बीच में कौन सी फिक्स कॉस्ट? तो क्या ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट दोनों आएगी क्या? तो ये दोनों के बीच में क्या एक एक लिवरेज क्रिएट होगा, उसको मैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? लिवरेज फिक्स कॉस्ट की वजह से ही क्रिएट होता है, अगर फिक्स कॉस्ट नहीं होगा तो लिवरेज क्रिएट होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। वापस एक बार बोलोगे, सेल्स और ईबीआईटी के बीच कौन से फिक्स कॉस्ट? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से कौन सा लिवरेज? ऑपरेटिंग लिवरेज। ईबीआईटी और ईबीटी आईपीएस के बीच में कौन से फिक्स कॉस्ट? फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। कौन सा लिवरेज? फाइनेंशियल लिवरेज। तो मुझे बताओ सेल्स और ईपीएस के बीच में दोनों फिक्स कॉस्ट आती है, तो उसके वजह से जो लिवरेज क्रिएट होगा क्या दोनों का कंबाइंड लिवरेज क्रिएट होगा क्या? तो क्या उसको डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? तो आप आ जाओ ये इनकम स्टेटमेंट पे आ जाओ और मुझे डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, हाँ देखो सेल्स, सेल्स कितने परसेंट से चेंज हुआ? 10%। तो बताओ ईपीएस कितने परसेंट से चेंज हुआ? 25%। तो क्या सेल्स और ईपीएस का भी एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ कि नहीं हुआ? आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अपने आप डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्रिएट करो, अपने आप डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्रिएट करो, कोई बता सकता है क्या? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, नहीं सेल्स और ईपीएस में कौन किस पे डिपेंडेंट है? ईपीएस क्या सेल्स पे डिपेंडेंट है? अगर आपका ईपीएस सेल्स पे डिपेंडेंट है तो क्या ईपीएस क्या डिनोमिनेटर में आना, सॉरी न्यूमरेटर में आना चाहिए क्या? तो डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। हाँ बताइए परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कितना है? 25%। ये कितना है? 10%। तो क्या ये परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा? तो क्या 2.5 डिवाइड बाय 1 होगा क्या? एंड 2.5 डिवाइड बाय 1 इज नथिंग बट 2.5 इज इक्वल 2.5 2.5 इज टू 1 2.5 इज टू 1 इंटरप्रिटेशन। क्या आपका ये, एक सेकंड, क्या ये सेल्स है? तो ये क्या है आपका? ईपीएस है। इंटरप्रिटेशन, अगर हमारा सेल्स 1% से इंक्रीज होगा तो क्या हमारा ईपीएस क्या 2.5% से इंक्रीज होगा? इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरप्रिटेशन के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात है? ओके वंडरफुल। मुझे सिर्फ तीनों के इंटरप्रिटेशन बताओ, डिग्री, अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक मिनट, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का आंसर क्या आया था? 2 आया था ना? अरे जरा और नलायक को चेक करो ना, डी ऑपरेटिंग लिवरेज का आंसर क्या आया था? 2 आया था कि नहीं आया था? 2 आया था। बताओ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का आंसर क्या आया था? क्या ये रहा, यहां देख लो, चलो ये लो, क्या ये 1.25 आया था कि नहीं आया था? जरा चेक करो, इसका आंसर आया था 1.25। और डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का आंसर क्या आया था? कितना आया था? ये 1.25 था, करेक्ट है 1.25। और डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का आंसर क्या आया था? 2.5। अच्छा एक और फॉर्मूला बताता हूं, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। ऑपरेटिंग कितना है? 2 है, ये कितना है? 1.25 है। चेक करो 2.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लीजिए। नहीं, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज किस पे डिपेंड करता है? डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल, क्या ये दोनों पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? दोनों को कंबाइन करोगे तो, अरे दोनों को कंबाइन करोगे तो कंबाइंड लिवरेज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो आपको ये दूसरा फॉर्मूला भी, क्या डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का समझ में आ गया कि नहीं आया? आई होप यू गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? मुझे इंटरप्रिटेशन दिमाग में बराबर से फिट चाहिए, मुझे इंटरप्रिटेशन दिमाग में बराबर से फिट चाहिए। सर मैं एमसी मिथिका बेटा जो एमसी सॉल्व करने के तो बताता हूँ बेटा, ठीक है? मुझे बताओ
डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 4 है इंटरप्रिटेशन. ऑनलाइन वाले बच्चे भी रिस्पॉन्स करेंगे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है? 4 है इंटरप्रिटेशन. अगर सेल्स 1% से चेंज होगा तो क्या ऑपरेटिंग, अरे सॉरी ईबीआईटी क्या 4% से चेंज होगा? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज 2 है. अगर ईबीआईटी 1% से चेंज होगा तो क्या ईबीटी 2% से चेंज? चेंज यूनिट डायरेक्शनल है कि बाई डायरेक्शनल है? डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज 8 है. दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 8 आएगा कि नहीं आएगा? इंटरप्रिटेशन, अगर सेल्स 1% से चेंज हुआ तो क्या हमारा ईपीएस 8% चेंज होगा? और चेंज बाई डायरेक्शनल है, यूनिट डायरेक्शनल नहीं है. ओके, अब मुझे एक चीज बताओ और फटाफट बताओगे, एक चीज और बताओगे. मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये जो मैंने फॉर्मूले आपको बताए ना, ये परसेंटेज चेंज वाले, ये जो परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए ना, मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, ये परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूले हम कब अप्लाई कर सकते हैं? परसेंटेज चेंज के लिए क्या हमारे पास क्या 2 इनकम स्टेटमेंट का होना जरूरी है कि नहीं है? मैं वापस क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, ध्यान से कनेक्ट करोगे, ऑनलाइन वाले बच्चे भी रिस्पॉन्ड करेंगे. क्या परसेंटेज चेंज के लिए क्या हमारे पास 2 इनकम स्टेटमेंट का होना जरूरी है? अगर हमारे पास 2 इनकम स्टेटमेंट नहीं होगा तो हम परसेंटेज चेंज कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. लेकिन हमारे पास एग्जाम में या क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो 99.99% हमारे पास सिर्फ एक ही इनकम स्टेटमेंट दिया होता है. क्या दिया होता है? एक ही इनकम स्टेटमेंट. तो अब माय क्वेश्चन, ऑनलाइन वाले बच्चे खास रिस्पॉन्स करेंगे, मुझे बताओ क्या अगर हमारे पास सिर्फ एक ही इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है तो क्या हम ये परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? अरे परसेंटेज चेंज तो कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे ना. परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? 2 इनकम स्टेटमेंट का. जब 2 होगा तो परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर पाओगे. लेकिन आपके पास एग्जाम में 99.99% सिर्फ एक ही इनकम स्टेटमेंट देते हैं, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, तो क्या आप ये परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ऑनलाइन वाले बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. तो सर ये सिचुएशन में हम कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? मैं आपको एक शॉर्टकट वाला फॉर्मूला देता हूं. कौन सा वाला फॉर्मूला देता हूं? एक शॉर्टकट वाला. लिखोगे मेरे साथ? लिखना जरूरी, लिखना जरूरी. लिखो मेरे साथ फटाफट एक शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लिखोगे. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल टू कॉन्ट्री डिवाइडेड बाय ईबीटी, कॉन्ट्री डिवाइडेड बाय ईबीटी. सर याद रखने का कोई तरीका है? हाँ तरीका है, मुझे बताओ. कॉन्ट्री ईबीआईटी एंड ईबीटी, आप मुझे साथ दिमाग लगाओगे, कॉन्ट्री और ईबीआईटी के बीच में कौन सी फिक्स कॉस्ट आती है? ऑपरेटिंग कॉन्ट्री में से क्या माइनस करते हैं तो क्या मिलता है? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या ईबीआईटी मिलता है कि नहीं मिलता है? तो मुझे बताओ कंट्री और ईबीआईटी के बीच में कौन सी फिक्स कॉस्ट आती है? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट. तो ये दोनों के वजह से कौन सा लिवरेज क्रिएट होगा? क्या ऑपरेटिंग लिवरेज क्रिएट होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ फास्ट. ओके, फिर ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में कौन सी फिक्स कॉस्ट आती है? इंटरेस्ट आता है. क्या ये फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है कि नहीं है? तो ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में इंटरेस्ट की फिक्स कॉस्ट आती है, तो उसकी वजह से क्या डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज क्रिएट होगा कि नहीं होगा? हाँ. और कंट्री और ईबीटी के बीच में कौन सी फिक्स कॉस्ट आती है? दोनों फिक्स कॉस्ट आती है, तो क्या उसके वजह से क्या आपका कंबाइन लिवरेज क्रिएट होगा कि नहीं होगा? मैं फॉर्मूला के मैथमेटिकल डेरिवेशन में नहीं जाता हूं, लेकिन क्या इस तरह से फॉर्मूला याद रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? तो कंट्री डिवाइडेड बाय ईबीआईटी ऑपरेटिंग, अच्छा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला कंट्री डिवाइडेड बाय ईबीटी. कोई दिक्कत? कोई भी कंफ्यूजन? हाँ एक सेकंड, आपको एक बात और बताऊं क्या, ध्यान से रखना. पहले मुझे बताओ परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला, ऑनलाइन वाले बच्चे खास रिस्पॉन्स करेंगे, परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला हम कब अप्लाई कर सकते हैं? जब 2 इनकम स्टेटमेंट होगा तो. लेकिन आपके एग्जाम में 2 इनकम स्टेटमेंट देते ही नहीं है, वो देते हैं एक ही इनकम स्टेटमेंट, तो क्या परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर पाओगे? क्या नहीं कर पाओगे? तो उसी परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूला से ये वाला फॉर्मूला डिराइव हुआ है मैथमेटिकली. ये वाला फॉर्मूला जो डिराइव हुआ है ना, उसी परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूला से डिराइव हुआ है. डेरिवेशन समझ में आता है क्या आपको? डिराइव करने का मतलब क्या बताओ? मिल्क में से क्या दही डिराइव होता है कि नहीं होता है?
तो इसको कहते हैं डिराइव होना, क्या होना, डिराइव होना। तो उसी ओरिजिनल फॉर्मूला से ये वाला फॉर्मूला आया हुआ है, लेकिन उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन बताना कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि वो डेरिवेशन के बेस पे है, डिफरेंशिएशन के बेस पे है, डेरिवेटिव्स के बेस पे है, तो कोई दिक्कत कोई मतलब बनता नहीं है। ये भी वाला फॉर्मूला ओरिजिनल फॉर्मूला से डिराइव हुआ है, ये वाला फॉर्मूला भी ओरिजिनल फॉर्मूला से ही डिराइव हुआ है। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। तो अब आप मुझे बताओगे एक मिनट, भले हम इसको मैं कहता हूं, इसको मैंने ऐसे ही बुला दिया शॉर्टकट फॉर्मूला के नाम से। कौन से नाम बोला? शॉर्टकट फॉर्मूला। तो बताओ शॉर्टकट फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे? जब एक क्वेश्चन में एक ही इनकम स्टेटमेंट दिया है तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? शॉर्टकट फॉर्मूला। सेकंड क्वेश्चन, भले आप शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई करो, भले आप शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई करके मान लो इसका आंसर 2 आया, इसका आंसर 3 आया और इसका आंसर 6 आया, मैंने ऐसे ही मान लिया, करेक्ट है? भले आप शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई करो लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन ओरिजिनल फॉर्मूला का ही होगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। इसका इंटरप्रिटेशन चेंज होता नहीं है, बिकॉज ये फॉर्मूला ओरिजिनल फॉर्मूला से ही डिराइव हुआ है। क्या आपको मेरी बात कनेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? तो मुझे बताओ इसका, हाँ, अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? अगर सेल्स 1% से चेंज हुआ तो ईबीआईटी 2% से, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? अगर ईबीआईटी 1% से चेंज हुआ तो ईबीटी 3% से, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? अगर सेल्स 1% से चेंज हुआ तो ईपीएस 6% से। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भले आप शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई करो बट योर इंटरप्रिटेशन शुड बी ओनली ऑफ ओरिजिनल फॉर्मूला। इज दैट क्लियर टू यू? मतलब आपको इंटरप्रिटेशन भी समझ में आ गए, कनेक्शन भी समझ में आ गए क्या? कोई दिक्कत वाली बात है क्या यहाँ पे? चलो क्वेश्चन स्टार्ट करो फटाफट। ऑनलाइन वाले बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे। धनाधन समझ में आया कि नहीं आया? ऑनलाइन वाले बच्चों का रिस्पांस नहीं आ रहा है। नलायक को सो रहे हैं क्या भाई? बैठे बैठे वहां पे सो रहे हो क्या भाई? पता नहीं, हम लोगों को जितना भी करे तो कम ही लगता है। अच्छा, अभी दिक्कत ये है कि नोट्स मेरे पास नहीं है। नहीं नहीं नोट्स ये चाहिए ना, क्या मांग रहे हैं? नहीं नहीं वन लाइनर से नहीं, क्लास नोट्स चाहिए मेरे को। लेकिन नहीं, मेरे को इस पे डाउनलोड करना पड़ेगा ना बेटा, है क्या उस पे? क्या अच्छा ई लाइब्रेरी में है क्या? कहाँ है भाई साला? अपने वेबसाइट पे अपन को ही नहीं पता है कहाँ रहता है। आ गया, है क्या उसमें? लेकिन मुझे अच्छा तो जी, मुझे डाउनलोड करके मुझे व्हाट्सएप करना, तो मैं क्यों डाउनलोड करूं? डेटा बचाता हूं। हो गए। नमस्ते जी, आगे जी, आगे जी, आगे जी, आगे। अच्छा ये तेरा नाम क्या है? हाँ ये अपना जुल्फे कह रहा है, प्रिंस कह रहा है कि डिस्क्रिप्शन में नोट्स है उसको डाउनलोड कर दो बेटा। हाँ ब्रेन मैपिंग वाला, हाँ लिखा हुआ है। ब्रेन मैपिंग वाला नहीं, नलायक क्लास नोट्स लिखा है। ये नहीं, नॉट दिस वन, दी अदर वन, नॉट दिस वन। क्या मांग रहे हैं? तो ब्रेन मैपिंग दिया ना, ब्रेन भी दे दिया मेरे हिसाब से। नहीं नहीं प्लीज नहीं यार, छोड़ना यार, मस्ती कर रहा हो यार। जिया बाय बेटा। जिया देख आया क्या तेरे पास? मैं चेक कर रहा था मेरे को डाउनलोड करना आता है कि नहीं आता है। क्या बेटा? वन नोट ये आ गया यहाँ पे, लिवरेज न्यू। वेबसाइट पे अगर जाओगे ना तो आपको ई लाइब्रेरी दिखेगी, वहाँ पे क्या दिखेगा? ई लाइब्रेरी, उसमें से एफएम नोट्स डाउनलोड कर सकते हो आप। या तो मैंने इस कल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा, जरा चेक कर दो, मैंने डलवाया उसको बोल के तो रखा है कि वो डालना है उसको, उसमें भी है ना, डिस्क्रिप्शन में भी है। तो बस यार क्या दिक्कत? एक ही मिनट भाई, आ गया।
है ना। जी आप पेज नंबर बता। ओके, ये लो भाई, ये लो। यही है ना, तुम दूसरे भाई, तुम मुझे मत टेंशन में ला। हाँ क्या यार, मधुरा मातू ऐसे ऐसे कॉल पूछती है यार। आज थोड़ा लेते हैं यार, होगा ही ना, हो तो कैसे नहीं होगा। तेरे को लग रहा है कभी कोई लेक्चर कैंसिल करता है यहाँ पे? हम लोग है ना हम लोग सोचते कि आज लेक्चर किसी का कैंसिल हो जाए तो एक्स्ट्रा लेने को मिलता है ना। ऐसा था क्या? और बड़ा दुख होता था ना उस टाइम पे। भैया टेस्ट सीरीज का बताओ। मिस्टर सिंह बोल रही है, मिस्टर सिंह कह रहा है कि भैया मैं कौन से एंगल से भैया लगता हूं? मैं तेरे बोलने की भावना को समझ गया था बेटा। मुझे एक चीज बताओ, आपको देख के क्या लग रहा है मेरी एज कितनी होगी? जरा ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछते हैं। मिस्टर सिंह क्या बोले? हाँ मुझे भी पता, मैराथन है सर। चलिए आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ कोई कह रहा है 14 इयर्स की है बस। आप तो दादू जी हो, ओके। अभी आप भैया थोड़ी हो, मास्टर हो, ओके। कोई बोल रहा है 46, कोई बोल रहा है 44, कोई बोल रहा है 40, कोई बोल रहा है 50, कोई बोल रहा है 20, कोई बोल रहा है 55, कोई बोल रहा है कोई 88 भी बोल रहा है। हाँ 50 प्लस बोल रहा है, कोई नलायक हो। हाँ अरे भैया वो नलायक है। 99 बोल रहा है कोई। चले अभी मैं तुझे मधुरा माँ बोला, माँ बोला तुझे कितना कुछ अच्छा लगता है ना। अच्छा अच्छा ओके चलिए। अच्छा निधि कह रही है 25 दिसंबर 1977। गलत निधि बेटा, माय बर्थडे इज 25 दिसंबर 1997 बेटा, ऐसा है। क्या फर्क पड़ रहा है? कब स्टार्ट होगी? अरे आप अपा जी बताओ ना कब स्टार्ट होगी। बहुत जल्द स्टार्ट होगी टेंशन। चलो अभी चालू करते यार। अरे बेटा अभी क्या एक आज मुझे 15 मिनट ज्यादा दो तो 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है ना? 15 मिनट फिर बात जे आई जी में तुम बाद में वो बस पीछे कर भी देख लो क्या दिक्कत है उसको, ठीक है? हाँ चलिए। फाइनेंशियल लिवरेज दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है? 1.4 देके रखा है, 14% डेट देके रखा है, 100 लाख। कैलकुलेट क्या करना है? ईबीआईटी। एक थंब रूल बताता हूं मैं आपको, एक थंब रूल बता रहा हूं एक थंब रूल बताता हूं कि जब भी हाँ क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है आपको, ईबीआईटी फाइनेंशियल लिवरेज देके रखा है पहले। अच्छा एक बताओ, यहां पे कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ओरिजिनल वाला कि शॉर्टकट वाला? कौन सा वाला करेंगे? शॉर्टकट वाला। फाइनेंशियल लिवरेज बताओ शॉर्टकट वाला फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। अच्छा जस्ट यू नो टेल मी वन थिंग, क्या हमारे पास क्या 1.4 क्या फाइनेंशियल लिवरेज रेडीमेड देके रखा हुआ है? क्या चेक करो। हमें फाइंड क्या करना है? ईबीआईटी फाइंड करना है। तो क्या मैं इंस्टेड ऑफ ईबीटी मे आई राइट ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट? जल्दी से मुझे बताओ फास्ट।
क्या ईबीटी की जगह पे मैं क्या ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट लिख सकता हूँ क्या? तो ईबीआईटी कैसे लिखूंगा जरा इनकम स्टेटमेंट याद करो, ईबीआईटी में से अगर इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो क्या ईबीटी आता है कि नहीं आता है? तो क्या मैं ईबीटी की जगह पे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? हमारे पास क्वेश्चन में 14% डेट दिया हुआ है, तो मुझे बताओ अमाउंट वाला इंटरेस्ट कितना होगा? तो विच इज नथिंग बट हंड्रेड इंटू 14%, 100 × 14%, तो बताओ ये कितना हो जाएगा आपका? 14 लाख। क्या 14 लाख होगा कि नहीं होगा? बताइए कितना आएगा ये? 1.4 इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी ईबीआईटी। मैं ना ये कैलकुलेशन एक भी नहीं करूंगा क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि इस लेवल पे आके आपको मैथमेटिक्स के ये सिंपल से कैलकुलेशन एडिशन डिलीशन मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन मुझे सिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दो जन भाग गए, अच्छा देशना तो भागी बराबर। तो अब मुझे बताओ ईबीआईटी कितना आएगा? ईबीआईटी कितना आएगा फटाफट बताओ, ईबीआईटी कितना आएगा? ईबीआईटी कितना आएगा जल्दी से मुझे बताओ फास्ट। क्या ईबीआईटी? अब मुझे ऑनलाइन वाले बच्चों का रिस्पांस चाहिए फटाफट, सारे बच्चे इसमें रिस्पांस करेंगे। धनाधन कहाँ आया? एक ही जन का रिस्पॉन्स आया, एक शंकर महादेवन ने किया रिस्पॉन्स, बाकी किसी ने किया? मेरे को यहाँ कमेंट क्यों नहीं दिखाई दे रहा फिर? हाँ चले गए क्या? क्या बात कर रहा है अभी ये दो तो 19,60,000 कमेंट दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो ईबीआईटी 49 लाख कितना आया आपका? 49 लाख ईबीआईटी 49 लाख ठीक है। तो आपको फाइंड ईबीआईटी करना था, एक कसम खा लो, एक क्वेश्चन में फाइनेंशियल लिवरेज दिखा और अमाउंट वाला इंटरेस्ट पता चल गया, क्या पता चल गया? तो क्या ईबीआईटी फाइंड कर सकते हो कि नहीं? लिख लो कहीं पे, लिख लो कहीं पे इफ यू फाइंड इन क्वेश्चन, इफ यू फाइंड इन क्वेश्चन। ऑनलाइन वाले सारे बच्चे नलायक रिस्पॉन्स करेंगे। हाँ श्वेता बराबर है, वैष्णवी बराबर है, वैष्णवी गलत है, सृष्टि बराबर है, आनंद बराबर है, जश पटेल बराबर है, अंशुल बराबर है, सुजल बराबर है, अंशुल अच्छा अंशुल डिलीट किया, बाकी सब बराबर है, शगुन बराबर है, मीत बराबर है, केशव केशव बराबर है। ये दो बार क्यों लिखा है केशव 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 केशव? गीतांजलि हाँ 49 लाख बराबर है। तो मुझे बताओ कसम खा लो, क्वेश्चन में अगर फाइनेंशियल लिवरेज दिया है और अमाउंट वाला इंटरेस्ट दिया है तो क्या मिल जाएगा? ईबीआईटी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ईबीआईटी कहीं पे लिख दो। अब आ जाओ, अच्छा ये प्रेफरेंस डिविडेंड वाला मैंने कराया नहीं है ना, तो थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा। क्वेश्चन 3, ईबीआईटी 1120 लाख, पीबीटी कितना है 320 लाख, फिक्स कॉस्ट कितना दिया है 700 लाख, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इफ सेल्स इंक्रीज बाय 5%। पहले रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट होती है रिलेशनशिप। बाल बढ़ गए हैं सर आपके, ओहो थैंक यू वेरी मच दोस्त, किसी को राज पता चल गया ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं घर पे था उस दिन, तो मेरा योगा टीचर आया था, तो उसको हर दिन मेरे बाल दिखते थे, तो एक दिन मेरे बाल नहीं दिखे, तो बोला सर आपके तो बाल है ही नहीं। तो मैंने बोला बाल है लेकिन वो अच्छा ठीक है, हाँ वेरी गुड। चलिए फटाफट पहले मुझे बताओ रिलेशनशिप, सेल्स और ईपीएस का रिलेशनशिप कौन सा? लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज। रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मुझे बताओ एक सेकंड, सेल्स और ईबीआईटी का रिलेशनशिप कौन सा लिवरेज? ऑपरेटिंग लिवरेज। ईबीआईटी और ईबीटी का रिलेशनशिप, तो सेल्स और ईपीएस का रिलेशनशिप कंबाइंड लिवरेज। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, ईपीएस में परसेंटेज चेंज कितना होगा अगर सेल्स इंक्रीज हो रहा है 5% से? तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या हमें पहले क्या कंबाइंड लिवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? और कंबाइंड लिवरेज कैलकुलेट करने के लिए क्या हम ओरिजिनल वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि शॉर्टकट वाला? क्यों शॉर्टकट वाला? क्योंकि हमारे पास एक ही साल का मतलब एक ही साल का इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है। अच्छा जरा डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का मुझे शॉर्टकट फॉर्मूला रिकलेक्ट करके बताओ। कंट्री डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, EBIT को मैं PBIT भी कह सकता हूं। हाँ तो क्या EBIT क्वेश्चन में दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन में कंट्री नहीं दिया हुआ है, तो क्या पहले कंट्री फाइंड करना पड़ेगा क्या हमें? तो अब आप मुझे बताओगे कंट्री कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों जल्दी से। क्या कंट्री माइनस फिक्स कॉस्ट क्या इज इक्वल टू EBIT होता है कि नहीं होता है? इनकम स्टेटमेंट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपका इनकम स्टेटमेंट पे कंट्रोल नहीं है तो दिक्कत होती है। सिंस कंट्री माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू EBIT, क्या फिक्स कॉस्ट पता है? यस yes. तो क्या आप फिक्स कॉस्ट को यहां पे लेके जाओ तो क्या फिक्स कॉस्ट पॉजिटिव हो जाएगा क्या? प्लस ई बी
आईटी, फिक्स कॉस्ट कितना दिया है क्वेश्चन में, क्या 700 लाख देके रखा है क्या, प्लस ईबीआईटी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या 1120 है। यूनिक के स्टूडेंट को तो बेटा ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए, आपको तो है ना कैलसी लेने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, अरे सॉरी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप कैलसी भी सॉल्व कर सकते हो उसको, ऐसा है तो बताओ कितना आई है, 1820 लाख आ गया क्या। तो बताओ डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज कितना आएगा आपका, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबी, अरे मैंने गलत लिखा था, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या आएगा आपका, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला आ जाएगा कॉन्ट्री डिवाइडेड बाय ईबीटी, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला गलत लिखा था दोस्तों, ये गलत लिखा था, यहाँ पे क्या आएगा आपका ईबीटी आएगा, क्या आएगा आपका ईबीटी आएगा। तो अब आप मुझे बताइए दोस्तों फटाफट कंबाइंड लिवरेज कितना आएगा जी, फटाफट, कॉन्ट्री कितना है जी, कॉन्ट्री कितना है, 1820 लाख, ईबीटी कितना है, क्या क्वेश्चन में रेडीमेड दिया हुआ है क्या, 320 लाख, ये लाख क्या हो जाएगा कैंसल, तो बताओ कितना आ रहा है, 5.69। इंटरप्रिटेशन, अगर सेल्स 1% से चेंज हुआ, सेल्स कितने परसेंट चेंज हुआ, 1%, तो मुझे बताओ ईपीएस कितने परसेंट से, 5.69%, हमारा सेल्स यहां पे कितने परसेंट से चेंज हो रहा है, क्या 5% से चेंज हो रहा है, तो बताओ ईपीएस कितने परसेंट से चेंज होगा, तो 5%, तो एक्स क्या हो जाएगा 5, तो ये देखो जरा 5% × 5.69% डिवाइडेड बाय 1%, तो बताओ क्या ये परसेंट कैंसिल हो जाएगा क्या आपका, तो अब आप जरा कैलकुलेट मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 28.45% से क्या ईपीएस इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, क्या आपको एप्लीकेशन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, मुझे बताओ फास्ट, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, एक क्वेश्चन में 4 सॉल्व करके बताओ फटाफट, चलो हो जाएगा 4, हाँ 4-5 दोनों भी हो सकता है, क्या टाइम क्या हो गया जरा देखो, 10:30 हो गए, ओके मुझे आप एक चीज बताइए फटाफट, इसको जरा, हाँ ये कंपनी ए दी है, कंपनी बी दी है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं ऑपरेटिंग, अच्छा एक सेकंड, आपको जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज कैलकुलेट करना है, तो मुझे पहले कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, सिर्फ आपको है ना जो चीज की रिक्वायरमेंट है ना, जैसे कि ऑपरेटिंग लिवरेज में क्या रिक्वायरमेंट है मुझे बताओ, क्या कॉन्ट्री डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, फिर फाइनेंशियल लिवरेज में क्या रिक्वायरमेंट है बताओ फास्ट, क्या ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी होता है कि नहीं होता है, जल्दी से बताओ, और कंबाइंड लिवरेज में क्या रिक्वायरमेंट है बताओ, कॉन्ट्री डिवाइडेड बाय ईबीटी, अगर इतने वेरिएबल्स अगर आ जाएंगे तो क्या कॉन्ट्री भी एक वेरिएबल्स है, ईबीआईटी भी एक वेरिएबल्स है, ईबीटी भी वेरिएबल्स है, तीनों वेरिएबल्स आ गए तो क्या तीनों लिवरेज कैलकुलेट हो जाएंगे क्या, और भाई कंपनी ए भी अलग है, कंपनी बी भी अलग है, कंपनी ए भी अलग है, कंपनी बी भी अलग है, तो आपको नहीं लग रहा है कि आपको इनकम स्टेटमेंट बना के, क्या बना के, इनकम स्टेटमेंट बना के कंपनी ए के ये तीनों वेरिएबल्स को कैलकुलेट करना चाहिए, कंपनी बी के भी तीनों वेरिएबल्स को कैलकुलेट करना चाहिए, तो क्या मैं कंपनी ए का कैलकुलेट करके बता दूं क्या आपको, पहले फटाफट एक बार बताओ कैसे कैलकुलेट, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है हमारे पास, क्या सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है बताओ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, तो बताओ क्या कॉन्ट्री पर यूनिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमें, क्या मिलेगा हमें कॉन्ट्री पर यूनिट, तो बताइए कितना होगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट बताओ कितना, क्या सेलिंग प्राइस पर यूनिट, क्या आपके पास क्या 30 रुपीज दिया हुआ है, क्या 30-10 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये क्या 30-10 तो क्या 20 रुपीज होगा कि नहीं होगा, कितना हो जाएगा 20, तो कॉन्ट्री पर यूनिट आ गया, क्या आ गया आपके पास कॉन्ट्री पर यूनिट, तो आपके पास कितनी यूनिट्स है जरा चेक करो, क्या आउटपुट आपका 6000 है क्या, नहीं कितना है 60000 है, तो आप कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, मुझे अगर कॉन्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है तो क्या 60000 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मुझे 12 लाख रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
कैसे मुझे कंट्रीब्यूशन मिला, क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या कर दूँ कंट्रीब्यूशन, अगर मुझे अमाउंट फॉर्म में फाइंड करना है तो क्या 60,000 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मुझे 12 लाख रुपये का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट फॉर्म में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कॉन्ट्रीब्यूशन में से मैं क्या माइनस करूँगा बताओ, फास्ट चेक करो। फिक्स कॉस्ट बाई डिफॉल्ट कौन सी होती है? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। तो मुझे बताइए क्या फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में देके रखा हुआ है? क्या कितना देके रखा है जरा देखो, क्या 7 लैक्स देके रखा हुआ है? क्या तो 7 लैक्स माइनस करोगे, अगर यहाँ से 7 लैक्स माइनस करोगे तो क्या हमें मिल जाएगा, क्या ईबीआईटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कितना मिलेगा? 5 लैक्स। अच्छा, इसमें से क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट। चेक करो इंटरेस्ट पता चलेगा क्या हमें, कैसे पता चलेगा बताओ? ये देखो ना, 12% डिबेंचर देके रखा हुआ है तो क्या 4 लैक्स पे 12% कितना हो जाएगा? 48,000 होगा कि नहीं होगा? तो 4 लैक्स पे 12% तो कितना हो जाएगा? 48,000 होगा कि नहीं होगा? तो 48,000 माइनस करोगे कितना आएगा बेटा? 4,52,000। क्या ईबीटी आएगा कि नहीं आएगा? 4,52,000 क्या आ जाएगा हमारा ईबीटी? अच्छा एक मिनट, 452 ईबीटी आएगा, प्लीज पे अटेंशन। क्या अब हमें एक सेकंड, क्या हमारे पास कॉन्ट्री आ गया, क्या ईबीआईटी आ गया, ईबीटी आ गया, क्या तीनों तीन लिवरेज कैलकुलेट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? मुझे सिर्फ आंसर दे दो फटाफट कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का आंसर, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का आंसर, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का आंसर। 12 लाख आया था और फॉर्मूला ये रहा। ऑपरेटिंग लिवरेज कितना है? ऑनलाइन वाले बच्चे आंसर देंगे खास करके। क्या इसका आंसर क्या 2.4 आएगा कि नहीं आएगा बताओ? इसका आंसर कितना आया जल्दी से? ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी कितना आया? 1.10। ओके 1.10 ईबीटी आया हुआ है, ये लो 4.52। अब ये सब आपने दिया है मुझे, अच्छा डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज फाइंड करने का एक और फॉर्मूला भी बताओ। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। ऑपरेटिंग कितना है? 2.4। फाइनेंशियल कितना है? 1.10। बताओ कितना आएगा ये? 2.6465 अप्रोक्सीमेटली। क्या ये सेम आंसर आ रहा है क्या फॉर्मूला से? जो आंसर आ रहा है क्या इसी फॉर्मूला से वो सेम आंसर आ रहा है क्या, जरा चेक कर लो। क्या कंपनी बी का अपने आप सॉल्व कर लोगे क्या? कंपनी बी अपने आप सॉल्व कर लोगे क्या? बात समझ में आ गई? अच्छा तीनों तीन फॉर्मूले समझ में आया, उसका एप्लीकेशन समझ में आया क्या आपको यहाँ पे? चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। बेटा लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे, कमेंट किए बगैर नहीं जाओगे, कमेंट किए बगैर नहीं जाओगे, हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने हैं, कमेंट किए बगैर नहीं जाओगे। कल भी सौ ही बढ़ते हैं यार। बेटा ये क्वेश्चंस जो है ना आपके आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में एक एफएम की नोट्स रहेगी, वहां से मिल जाएगा बेटा आपको, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टाटा बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल। अरे वो डायलॉग क्या था? सावधान रहो, सतर्क रहो और यूनिक एकेडमी कॉमर्स के लेक्चर देखते रहो। अच्छा देखते रहिए यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच।